1990s में हिंदुस्तान से एक जमात का ग्रुप जाता है नॉटिंगम न्यूयॉर्क की तरफ। वहां पे एक जगह वो ढूंढते हैं जो कि बगौल उनके 20 साल से बंद थी। उन्होंने डिसाइड किया कि उस जगह को मदरसे में कन्वर्ट करते हैं और वहां से तालीम का आगाज शुरू करते हैं। वो जगह काफी बड़ी थी, 120 कमरों पे मुश्तमिल वो जगह, जिसमें कई गुना बड़े हॉल्स थे। तो वो एक परफेक्ट जगह थी, लोग वहां पे जाना शुरू हुए, शिफ्टिंग हुई, टीचर्स हजरात, स्टूडेंट्स दुनिया भर से जहां जहां से वो ला सकते थे लेके आए। जो वहां के आलम-ए-दीन थे, मुफ्ती साहब थे, उन्होंने जब वो जगह देखी तो उन्होंने अपने पूरे ग्रुप को सिर्फ जो उस जगह का पर्टिकुलर जगह की वेस्ट साइड थी उस जगह को इस्तेमाल करने से मना किया और कहा कि इधर कोई भी नहीं जाए। बाकी सारी जगहें स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लोगों के लिए खुली थी। अब जब ह्यूमन नेचर ये कहती है कि जब किसी चीज़ से रोका जाए तो लोग सबसे पहले वही काम करते हैं, इधर भी वही हुआ। इस सवाल पे कि आखिर उधर है क्या जो हमें रोका गया है या मना किया गया है जाने से, चंद स्टूडेंट्स उस जगह गए डरते डरते, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। कहते हैं कि जब हम उस जगह पे एंटर हो रहे थे तो पहले ऐसा महसूस हुआ कि किसी को हमारे आने की वजह पसंद नहीं आई, यानी कि पहले आवाजें आना शुरू हुई ऐसे जैसे कोई बहुत गुस्से में है, फिर उस जगह के दरवाजे बंद होना शुरू हुए जोर जोर से, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वहां से बकायदा जाने को बोला गया। कोई दिख नहीं रहा था लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। डरते हुए वो सारे स्टूडेंट्स वापस अपने अपने कमरों में चले गए। इन्हीं सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट था जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था। कहा जाता है कि उसकी उम्र 13 साल थी और उसको ना अंग्रेजी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना ही अरबी आती थी। जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती थी वो उसी से काम चलाता था। नेचर में वो बच्चा जो था वो कम गो था, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मसला था तो बात ही नहीं करता था और शायद कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी थी। कहते हैं वो उस हुजूम में ऐसे गायब हो जाता था कि पता नहीं चलता था कि वो बच्चा है भी कि नहीं। एक दिन मामूल के हिसाब से वो बच्चा जो है उस वेस्ट वाली साइड पे अकेले चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। वहां पे 5-6 घंटे रहने के बाद फिर वापस वो उसी हॉल में आ गया जहाँ पे सारे टीचर्स स्टूडेंट्स मदरसे का जो अहाता था उधर आके बैठ गया। किसी को उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ कि ये बच्चा गया था तो कहाँ गया था, वापस आया तो किधर से वापस आया। कहते हैं बात उस वक्त अजीब होना शुरू हुई कि जब वो बच्चा वापस आया तो उसके हाथ में कुरान था और अपने सामने टीचर जो बैठा हुआ था मुफ्ती साहब उनके पास वो गया और उसने अरबी में उनसे बात करना शुरू की। कहता है कि मैं आपको चैलेंज देता हूं, कुरान शरीफ में से कुछ भी मुझसे पूछ लें, मुझे सब पता है। ये उस दौर की बात है जब टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पीट भी दिया करते थे, अब बहुत मुश्किल काम है। तो उस्ताद ने सोचा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। जब
उसने अरबी में बात करना शुरू की बच्चे ने, तो ये परेशान हो गए कि इस बच्चे को ना तो कोई हिंदी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना अंग्रेज़ी आती थी, और इसको अरबी तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये अचानक से इसने अरबी कहाँ से बोलना शुरू कर दी, और उस पर वो कह रहा है कि मुझे अब आप कुरान की किसी भी आयत का, सूरत का पता करें, मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने भी टेस्ट के तौर पे मज़ा लेने के चक्कर में उसे पूछ लिया कि फलाना, ये अपना कुरान शरीफ बंद किया उसका, उसके हाथ से लिया और उसे बोला कि फलाना पेज की फलाना आयत बताएं। उसने चंद सेकंड भी नहीं लिए और उसने वो बता दिया। फिर उन्होंने दूसरी आयत का पूछा, उसने वो भी पढ़ दी, और ऐसे चार पांच अलग अलग पारों की आयत पढ़ ली, और ये सारी उसने अरबी में की। और वो जो अपने टीचर से मुखातिब था वो भी अरबी में मुखातिब था, और वो कहते हैं कि अरबी ऐसी के जैसे पैदा ही ये सऊदी अरब में हुआ और इसी ज़बान में हुआ। उस वक्त तक ये बड़ा एक उन लोगों को लगा हो कि भाई बड़ा मिरेकल हो गया, एक बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा जो कि इतना ज़हीन भी नहीं है, अचानक से उसके पास ये ताकत आ गई। कहते हैं कि वो उस्ताद जो है वो मान गए इस बात को कि हाँ भाई इसको तो पता है और इसने ये पढ़ भी लिया। कहते हैं कि अभी उसने ये ख़त्म ही किया था बच्चे ने कि वो मुड़ा है बाहर कॉरिडोर की तरफ जा रहा है, तो उसने उस तरह उठाया और अपने बाल, आधे बाल काट दिए और आधे बाल रहने दिए। पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये कर क्या रहे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो बिहेव करने लग गया तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे उनको खौफ आने लगा। उसको टीचर्स ने बुलाया, डांटा वाटा कि ये क्या कर रहे हो, ये फलाना करके उसको रवा किया और रफा दफा किया और उसको बोला अपने अपने कमरों में चले जाओ। अब रात का टाइम शुरू होता है, तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं, सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। मदरसे में इंतज़ाम ऐसा था कि एक रूम के अंदर 8 से 10 बच्चे सोते थे, बंक्स बेड थे, तो चार चार बंक बेड्स थे, दो दो लोग उसमें सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक से एक कमरे से 6-7 बच्चे भागते हुए निकलते हैं चीखते हुए, और वो जाते हैं मुफ्ती साहब के कमरे में, उनका दरवाज़ा पीटते हैं। मुफ्ती साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, तो कहते हैं कि हमारे कमरे में कुछ है, हमारे कमरे में कुछ है, कुछ हो रहा है। वो वहम वहम समझ के जाके चेक करते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वाहिद वो 13 साल का बच्चा उस कमरे में अकेला सो रहा होता है। वो कहते हैं ये भी तो सो रहा है, तुम लोग बिला वजह में डर रहे हो, जाओ दोबारा जाओ। वो उनको दोबारा से कमरे में जाके सोने का बोल देते हैं, वो सब चले जाते हैं बच्चे। 15 मिनट के बाद दोबारा वही बच्चे भागते हुए आते हैं, और इस दफ़ा दोबारा उस मुफ्ती साहब का कमरा पीटते हैं, मुफ्ती साहब दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर वही बच्चे मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कमरे में कुछ है और इस बच्चे में भी कुछ है। कहते हैं ऐसा क्या हुआ है, कह रहे हैं हम सो रहे हैं और हमें कमरे में उसके नाम लेने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। जब ये बात सुनी तो उन मुफ्ती साहब को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि चक्कर क्या है। फौरन उस बच्चे को बुलाया गया, सारे बच्चों को कमरे से बाहर निकाला गया। अब मुफ्ती साहब के साथ एक और लड़का और वो बच्चा बैठे हुए। कहते हैं कि वो बच्चा फर फर अरबी बोल रहा, और जैसे इन मुफ्ती साहब ने उसका इलाज करना शुरू किया, यानी कि कुछ सूरतें पढ़ना शुरू की, तो बजाय इसके जो हमने हमेशा सुना है कि आप जब
अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो इस तरह की मखलूक डर के भाग जाती है, माफ़ी मांगती है, रोती है। वो बच्चा और उस बच्चे में मौजूद वो जिन ना तो डर रहा था ना रो रहा था, अलबत्ता वो भी आयतें पढ़ रहा था। जैसे जैसे मुफ्ती साहब आयतें पढ़ रहे थे वो भी आयतें पढ़ रहा था। यानी कि अगर वो चाह रहे थे कि बच्चे से जिन दूर हो जाए तो वो उसकी तोड़ पढ़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि मुफ्ती साहब को रियलाइज हो गया कि हम एक ऐसे जिन से, एक ऐसी एंटिटी से, एक ऐसी मखलूक से गुफ्तगु या बात कर रहे हैं जो खुद भी आलम दीन है, हाफिज कुरान है। सारे लोग मिल बैठ के बैठ गए सर जोड़ के कि अब ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बाकी तमाम बच्चे जो हैं वो डर रहे थे और ये मामूल हो चुका था कि आवाज़ आना, ऐसा महसूस होना कि जैसे उसको कोई पुकार रहा है। जो सबसे बड़े आलम दीन थे, जिन्होंने ये फतवा दिया था कि उस जगह पे कोई ना जाए, उन तक ये बात पहुंचती है तो वो एक हल निकालते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे को फौरन इसके अपने घर भेज दिया जाए। ये लोग कहते हैं कि ये कैसे, क्या मतलब, इसका क्या हल है, ये क्या, ये कौन सा हल हुआ। कहते हैं असल में जब मैं, हम लोग इस 20 साल पुराने खंडर नुमा घर में आए थे तो मेरा मुकालमा हुआ था उस मखलूक से जो उस वेस्ट वाली साइड पे रहती थी, और उन्होंने मुझसे मुखातिब होके कहा था कि आप पूरी जगह पे मदरसा बना लें, सिर्फ उस जगह को छोड़ दीजिएगा, वहाँ कोई ना आए। वो जगह जो थी वो आप समझें एक उस मखलूक की अपनी एक प्राइवेट स्पेस थी और वहाँ पे उनके मेहमान आते थे, जिन्नात के मेहमान। तो हल ये निकला कि उस बच्चे को उसके गांव भेज दिया जाए बांग्लादेश में, और एक महीने के लिए भेज दिया जाए। एक महीने के बाद जब वो वापस आ जाएगा तो सारे मामला सही हो जाएंगे। उस बच्चे को भेज दिया गया। कहते हैं जब उस बच्चे को लेके जा रहे थे तो वो गाड़ी के बीच में बैठा हुआ था, एक दरवाजे की साइड पे एक और मौलवी साहब और दूसरी साइड पे। तो कहते हैं पूरे रास्ते जब तक हमने उसको बांग्लादेश उसके गांव तक नहीं पहुंचाया, वो उसकी पूरी कोशिश थी कि वो चलती हुई गाड़ी से भी उतर जाए, जहाज से भी उतर जाए, किसी भी तरीके से उतर जाए। जब वो बच्चा चला गया और ये लोग वापस मुफ्ती साहब के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये आपने किया क्यों है, इसके क्या फ़ायदा होगा। कहते हैं हुआ ये है कि एक मेहमानों का टोला जिन्नात का उस जगह पे आया था, जो इस बच्चे के साथ जुड़ गया है वो एक जवान जिन है जो कि हाफिज़ कुरान है, मुसलमान है, और उसको ये बच्चा पसंद आ गया, उसे दोस्ती वोस्ती हो गई फलाना जो भी जैसे भी, और अब वो उसके साथ अटैच है। अगर हम उसको, उस बच्चे को यहाँ रखेंगे तो वो एक महीने तक उसके साथ चिपका रहेगा। भेजने का रीज़न ये है कि वो जो मेहमान जिन आए हुए थे उस जगह पे, उनका भी एक टाइम फ्रेम होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, जितने दिन भी उनके फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो वो जिन उनके साथ ही जाना चाहेगा। और यही हुआ, जैसे ही बच्चा अपने घर पहुंचा उसके 3-4 दिन के बाद जब खबर ली गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो जिन वापस आधे रास्ते से ही वापस इस जगह पे आ गया। जब एक महीने के बाद वो बच्चा वापस आया तो दोबारा से वही 13 साल का बच्चा बना हुआ, जिसको ना अंग्रेज़ी आती, ना उर्दू आती, ना ही अरबी आती, ना ही उसको वो कुरान याद जो थोड़े दिन पहले वो अपने मुफ्ती साहब को चैलेंज कर रहा था कि मुझे सब आ गया है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मिन्हाज अली अस्करी। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं और तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ हम अपना मैसेज भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपना वाकया, कि आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है, कभी आपने जिन्नात का आमना सामना हुआ है, या किसी ऐसी जगह के बारे में आप जानते हैं जहां आप शिफ्ट हुए हो, गए हो, काम किया हो, जो कि हॉन्टेड रही हो, तो आप अपनी ईमेल के ज़रिए हमें बता सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइन बेहतर हो गई है थोड़ी बहुत, तो ये नंबर नोट करें 02134326676। मैं दोबारा से नंबर बता देता हूँ 02134326676 वो नंबर है जहाँ पे आप अपने साथ हुए हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari, जहाँ पे आपको लेट नाइट हॉरर शो की भी सारी एपिसोड्स मिलेंगी, साथ में यूट्यूब का एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा। खैर, हम जिस मखलूक की बात कर रहे हैं, जिसको हम जिन्नात कहते हैं, कोई एनर्जी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक ऐसी मखलूक जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके पास ये ताकत है कि वो हमें देख सकती है। कहा जाता है कि इनके मुख्तलिफ इकसाम हैं, ज़्यादातर जो है वो हार्मफुल नहीं है, सिवाय एक इनके, इनमें से भी एक मखलूक है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहलाई जाती है, इफरीत उसको कहा जाता है। कुरान शरीफ में भी इस मखलूक के बारे में जिक्र है और भी तमाम मज़ाहिब की किताबों में है, और अगर सोसाइटीज़ में देखा जाए तो पुराने पुराने ज़मानों में केव्स के अंदर किताबों में, लफ्ज़ों में, कहानियों में इस मखलूक के बारे में बात की गई है। यह हम कह देते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश, इन्हीं जगहों पर ऐसा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट है, एक यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की, तो अमेरिका में 56% लोग, जो 56% आबादी अमेरिका की, वो इस मखलूक को मानती है, कहती है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा 64% इंग्लैंड के लोग कहते हैं कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। तो हम चूँकि अंग्रेज़ों की बात ज़रा ज़्यादा मान लेते हैं, तो इस रिसर्च को देख के पता चलता है कि दुनिया की आधी आबादी तो इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है और हमारे इर्द गिर्द ही होती है। वेल, तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। कुछ ईमेल्स हैं जो हम शामिल करना चाहेंगे अपने शो में। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक लाइव के ज़रिए सुन रहे हैं तो भी आप हमें फेसबुक के ज़रिए सुन सकते हैं www.facebook.com/minhajaliaskari। मैं सबसे पहला एक काम है वो कर लेता हूँ।
फेसबुक लाइव पे जितने लोग हमें प्रोग्राम मैसेजेस करें उनका नाम शामिल कर लेते हैं। हुमायूं रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आया हुआ है। मोहसिन अली मुगल, थैंक यू सो मच। अल्ताफ हुसैन, आपका भी शुक्रिया। सना खुर्शीद, थैंक यू। जाहिद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आवाज़ सही आ रही हो। शामीर, आई एम सो सॉरी। तहा जौरी, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद जुनीद, थैंक यू सो मच। हफ्जा सादिक, सदफ साजिद एंड नाहिद जमील, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें 6278 पे अपने मैसेजेस करें उनके नाम भी शामिल कर लेते हैं। रेहान अहमद, थैंक यू। अल्लाह रखा साहब, हिना बतूल, कंदील, मेदी रज़ा, इरफान, एम खान, जहरा रिजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मैसेजेस करने का। चलिए जनाब, बढ़ते अपनी फर्स्ट ईमेल की तरफ और देखते हैं किसने अपने साथ हुआ वाक्य हमसे शेयर किया है। हमारी मेड ने हमारे एरिया में एक नए घर में काम शुरू किया है तकरीबन 5 महीने पहले। कुछ दिन से शी स्टार्टेड सीइंग अ मैन इन वाइट ड्रेस। उसकी बेटी ने भी ये विटनेस किया लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया और समझा कि ये वहम होगा। लास्ट वीक हमारे घर मेड की बेटी आई काम करने। थोड़ी देर बाद जब उसकी अम्मा आई तो अपनी बेटी से पूछने लगी कि उस घर में काम क्यों नहीं किया, जिस पे उसने जवाब दिया कि वहाँ कोई नहीं था तो मैं वापस आ गई। उसकी अम्मा ने कहा, मैं अभी वहाँ से काम करके आ रही हूँ। एक वाइट कपड़ों में आदमी फिर रहा था, इनफैक्ट मेरे पीछे से गुजरा। तब दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वो आदमी कोई और मखलूक है। फिर दोनों ने मेरी अम्मी को बताया कि उस घर में एक औरत रहती है जो सोती रहती है। उनके शौहर अब्रॉड हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। हम घर का काम करके वापस आ भी जाते हैं तो हम किसी को और को नहीं देखते। एक हफ्ते से हमें वहाँ कोई सफ़ेद लिबास में एक आदमी दिखता है, उसकी शक्ल नहीं देख सके क्योंकि वो कभी पीछे से गुजर जाता है, कभी साइड से चला जाता है, लेकिन कभी भी हमने उसका चेहरा नहीं देखा। हम कहते हैं कि जब मेड दोबारा वापस मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फ्राइडे को दोनों माँ बेटी फिर आए और कहने लगे कि उन लोगों को भी ये मखलूक दिखने लगी है। उस औरत के बेटे का सोते हुए किसी ने हाथ उठा के दूसरी जगह रखा। फिर उस औरत को किसी ने शोल्डर पर टैप किया, आवाज़ भी दी, यहाँ तक कि आवाज़ देकर बुलाया भी। ये वाक़या कराची फेडरल बेरिया ब्लॉक 11 का है। द थिंग विच मेक्स दिस अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग इज कि ये सब चीज़ें डे टाइम में ही एक्सपीरियंस की गई थीं। चलें जनाब, मैं दोबारा से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0213432666, 0213432666 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके हमसे अपने साथ हुए वाक़यात शेयर कर सकते हैं। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमारे शो में शामिल होंगी। कुछ वॉइस नोट्स हैं जो कि हमें भेजी गई हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों से।
उनको भी डालेंगे। फिर जो ये अभी मैंने शुरुआत किया वाक्य 1990s से, इस तरह के कई सारे और वाक्यात भी जो जमात जाती है उनके पास बड़े इंटरेस्टिंग वाक्यात होते हैं। एक मुझे याद है कि हमारे खानसामा था हमारा, उम्र में ज़ईफ़ थे, पुलिस में उनका पुलिस से ताल्लुक़ था, लेकिन वो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ के उन्होंने फिर हमारे घर में, मेरे नाना के घर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो बताते हैं कि एक दफ़ा वो जमात में थे, वो जाया करते थे 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए, कभी साउथ अफ्रीका, कभी कहीं इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे वो। तो कहते हैं इसी तरीके से मैं अफ्रीका गया तो तबलीग की जमात की एक पूरी बटालियन गई, और उनका जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस्लाम का पैगाम उन्होंने पहुँचाना होता है, तबलीग करनी होती है, लोगों को इस्लाम की तरफ लाना होता है। तो यही करते करते वो एक अफ्रीका के किसी ऐसे इलाके में चले गए जहाँ पे गांव का इलाका था। कहते हैं वहाँ हम गए तो हमें छोटे छोटे घर बने हुए नज़र आए, हमने वहाँ पे एक ठिया अपना बना लिया, जो भी वहाँ की मस्जिद होगी वो हमारा ठिकाना बन गया। हम वहाँ जाते, हम जब हमें मौका मिलता दिन में हम जाते 5-6, 70-80 जितने भी घर थे हम उधर जाके तबलीग करते और वापस आ जाते अपनी मस्जिद में, वहाँ नमाज़ पढ़ते और फिर जो लोग वापस आते उनके साथ बैठ के बातें करते इस्लाम की और इसकी। तो कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दो बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल होंगी, वो कहते हैं कि वो हमारे पास आना शुरू हुए। अब हम और उनका जो टाइमिंग था आने का वो बड़ा अजीब था, कहते हैं रात के 12 बजे वो आया करते थे। तो कहते हैं हम चूँकि जिस काम के लिए गए थे वो काम ही ये था प्रिसाइसली कि हम तबलीग करें, तो कोई भी मस्जिद आता था तो हम उसको वेलकम करते थे भले कोई भी टाइम हो। तो कहते हैं ये इस तरह होने लगा, हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 दफ़ा वो बच्चे आते बैठते, बहुत एक बड़ी महफिल लगती और सब उसमें इस्लाम की बातें करते और वाक़ डिस्कस करते और वो बच्चे सुनते और वो इम्प्रेस होते। और ये नशस्त जो थी वो 3-4 घंटे की हो जाती थी, तो रात के 3-3, 4-4 बज जाते, तहज्जुद हो जाती और फिर ये बच्चे चले जाते। तो कहते हैं हम लोगों को बड़ी वो होती थी कि ये ऐसे इलाके में रात के 3-4 बजे बच्चे जा रहे हैं, पता नहीं कि मतलब सेफ़ है कि नहीं है, अफ्रीका भी कोई इतना डेवलप्ड इलाका नहीं है। तो कहते हैं हमारे मुफ्ती साहब ने हमें ये टास्क दिया कि इन बच्चों को फॉलो करो, देखो जाके ये बच्चे जाते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। कहते हैं इसी तरह एक दफ़ा वो बच्चे आए, बातें हुई, हम लोगों ने बाकायदा उनके उनको बताया कि कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन और ये और वो वाक़ जैसे होते हैं, और फिर वो बच्चे चले गए। कहते हैं हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं, मस्जिद से निकले, गली तक गए, गली से आगे जा रहे हैं, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। एक पॉइंट आया, कहते हैं हमारी आंखों के सामने वो दोनों बच्चे चलते चलते हवा में हुए और हवा में चलते हुए आसमान पे गायब हो गए। कहते हैं ये देखना था हमें और हम लोग डरते हुए वापस भागे हैं अपने आलम-ए-दीन के पास, उनको जाके बताया कि ये बच्चे इस तरह के। तो उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मस्जिद आ रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, ये हार्मलेस मखलूक है। कहते हैं बात आई गई होगी, वो बच्चे फिर आते रहे, हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे हम नॉर्मल हर किसी के साथ करते हैं। कहते हैं मेरी तबलीग ख़त्म हुई और मैं वापस कराची आया और हमारे घर दोबारा आ गए वो नाना के घर। तो नाना के घर में एक सर्वेंट क्वार्टर उनको बनाया हुआ था उनका रूम, तो कहते हैं वो वहाँ पे मैं आके रहना शुरू कर दिया, नॉर्मल हमारे घर में खाना बन रहा है जैसे होता है। कहते हैं एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा रात को, तो मुझे ऐसा लगे कि जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। कहते हैं अब ये इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे हमें आइडिया हो गया था कि इस तरह की मखलूक आ जाती हैं, तो वो डर नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक ऐसी चीज हुई जिससे मुझे बड़ा अजीब सा लगा। कहते हैं जो भी उस कमरे में मखलूक थी उसने वो बात की जो हम अफ्रीका में उन बच्चों को बताते थे। बाद में कहते हैं जब मैं उठा और मैंने
बाकायदा बात करना शुरू की कि कौन है इस कमरे में। और तो कहते हैं कि मुझे आवाज आई कि अंकल हम वही बच्चे हैं, आपकी बातें इतनी पसंद आई थी कि हम आपके पीछे पीछे आ गए। फिर कहते हैं कि एक डेढ़ हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। वो बच्चे उनके कमरे में हमारे मेरे नाना के उस घर के सर्वेंट क्वार्टर तक आए, और फिर जब टाइम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, तो वो बच्चे फिर वापस नहीं आए। तो इस तरह के वाकयात लोगों के साथ पेश आते हैं। अच्छा, ये वाकयात ऐसे हैं कि जो इंसान का दिमाग है ना, वो इन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं ये सारी कहानियाँ बनावटी कहानियाँ, झूठी कहानियाँ हैं, ये इंसान के दिमाग का फितूर है। जैसे मैं अब लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे संडे वाले दिन 12 बजे रात को, तो हम इस लास्ट संडे स्ट्रीम कर रहे थे, तो अमेरिका से एक साइकियाट्रिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। वो पाकिस्तानी थी, अमेरिका में वो काम करती हैं। तो मेरा उनसे सवाल था कि चूँकि वो साइंस से रिलेटेड उनकी सारी तालीम थी, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मखलूक की जो साइंस भी अभी तक कोशिश करी है उसको किसी तरीके से साइंस के उसमें लेके आए कि ये है तो इसलिए होता है। तो कहते हैं कि मेरे साथ कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं कि जिनको जब हम एनालिसिस करते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये मसला दिमाग का नहीं है। उन्होंने एक वाक्य बताया, कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझे बताया कि उसके ना कुछ निशानात पड़े हुए थे जिस्म पे। तो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है और ये फलाना, और स्टेट ने उस औरत को, उस लड़की को भेजा उनके घर में कि जाके चेक करें कि मामला क्या है, ये हो क्या रहा है। कहते वो चले गए, हम लोग उधर जाना शुरू किया, तो हम उस शख्स के साथ बैठे हुए थे। वो पूरे घर में अकेला बंदा था, उसकी एक बीवी थी जो काफ़ी अरसे पहले इंतकाल कर गई थी, उसके बच्चे थे जो उसके साथ रहते नहीं थे, वो अकेला ही उस घर में रहता था। कहते मैं उनके घर में दाखिल हुई हूँ तो मैंने इतना साफ़ सुथरा घर ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कहते मुझे अजीब सा लगा कि एक बंदा अकेला बूढ़ा शख्स जो कि ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता, घुटनों की प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, फलाना है, इसका घर कैसे साफ़ होता है। तो वो बातें बातें करते करते उसने पूछ लिया कि भाई ये कमरा कैसे साफ़ कर रहे हैं आप। कहते हैं वो करती है। कहते कौन करती है, आपकी वाइफ? कहते नहीं, मेरी वाइफ को मरे हुए तो 4-5 साल हो गए। कहते क्या आपकी बेटी? कहते नहीं, बेटी भी नहीं, वो करती है जो मेरे साथ है। अब ये लोग हुए कि कोई लिविंग रिलेशनशिप है, इनके अंकल का कोई गर्लफ्रेंड होगी। अब इतनी देर में ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो स्टेयर केस से किसी के उतरने की आवाज़ आई, और ऐसे जैसे कोई गुस्से में उतर रहा हो कि अपने पैर जोर जोर से ज़मीन पे मार रहा। अब ये जो डॉक्टर बैठी हुई थी कह रही थी कि मैं अब अज्यूम कर रही थी कि कोई स्टेयर केस से उतरते हुए अब आएगा ड्राइंग रूम में और मेरे साथ उसका मुकालमा होगा और हम बातचीत करेंगे, सामना होगा। तो कहते ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ एक हेल्पर भी गई थी उसकी। कहती है मैंने उसकी तरफ देखा, वो हक्का बक्का परेशान, उसके चेहरे के रंग उड़े। तो कहते मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ। कहते ये सामने स्टे केस है, आवाज़ आ रही है उतरते हुए किसी की, लेकिन कोई उतर नहीं रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ तो मसला ये है कि जवानी के टाइम से ये एक औरत मेरे साथ है, और वो एक जिन है, और वो फीमेल जिन है जो मुझसे मोहब्बत करती है, और उसने इस हद तक मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि मेरी बीवी के मरने में मुझे वो शक है कि इसने ना मारा हो, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेंबर्स सब ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि जब भी कोई मेरे करीब आता है ये गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है कि ये मुझे मारती है, और ये यही कहती है कि जब तक मैं रहूँगी तुम मेरे साथ रहोगे, और मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगे। तो मेरा उनसे सवाल था कि ये क्या हो सकता है दिमागी मसला? कह रहे नहीं, दिमागी मसला नहीं था, क्योंकि हम जब बैठे हुए थे तो हमारे सामने
कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हम देख के कह रहे थे कि यार ये इस अंकल के दिमाग का मसला नहीं है, ये कुछ और मसला है। तो इस तरह के वाक़यात बड़े कॉमन हैं इस दुनिया में जो होते रहते हैं। जैसे आप सब ने, हम सब ने सुना है कि हमने नया घर लिया, हम शिफ्ट हुए, उसके बाद उस घर में वाक़यात होना शुरू हुए, किसी का वजूद हमें महसूस होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि मैं तो इतने सारे वाक़यात सुने कि लोगों की शक्ल में, फैमिली मेंबर्स की शक्ल में जिन्नात नज़र आए हैं, उन्होंने बातें की हैं। कोई जो बहुत ख़तरनाक होते हैं वो उस हद तक चले जाते हैं कि किसी की जान को ख़तरा हो जाता है। कोई उतने अच्छे होते हैं कि उन लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। खैर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप लोग अपने वाकया शेयर करना चाहते हैं 02134326676 पे, और देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद। होपफुली हमारी लाइन सही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं बोल रहा हूँ कराची से। जी नईम साहब, कैसे हैं आप? ये बेटा किस्सा है तकरीबन माजे करीब का। कब का? थटे गए चार दोस्त। सही है। वहाँ घूमे फिरे, वापस जब आए ना तो एक लड़के को वो जिन चढ़ गया उसके ऊपर। सही। पंखा और टायर के नीचे फेंक दे, इसकी बोटी बोटी जंजीरों तोड़ दे, समझे, सीधी तोड़ दिया, सब काम कर दिया, 20-20 आदमी कब्जे में नहीं आ रहा। आखिर एक बंगाली साहब को बुला के लेके आए, उनसे कहा कि भाई इस बच्चे का देखो क्या हुआ है। भाई उन्होंने देखा, वो चार घंटे उससे लड़े कि भाई इसका कसूर क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई इसने यहाँ खटे गया था, मटका पड़ रखा था पानी का, इसने खड़े होके वहाँ पहले खड़े होके पेशाब किया, उसी हाथ के मटके में हाथ डाला और पानी गंदा कर दिया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जान से मारेंगे। बहुत देर तक जब झगड़ा फिसाद होता रहा, उसने कहा साहब के भाई अब माफ कर दो, इससे गलती हुई है। उन बाबा ने पढ़ा पूरा कह मटका, मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा, समझे। फिर वो माना, उसके से उतरा, दो मिनट में वो बिल्कुल सही हो गया, समझे ना बेटा। तो जिन्नात जो है ना अच्छे भी होते हैं। मैं रात को घर पे बैठ के पढ़ता हूँ, 3 बजे के बाद पूरा कमरा मेरा महक जाता है खुशबू से, समझे। तो ये इंसान का आप जैसा माहौल पैदा करोगे वैसी चीजें तुम्हें नजर आती है। तो आप मुझे बताइए कि आपने आज तक खुद से क्या देखा है ऐसा जो आप कह रहे हैं कि आप पढ़ रहे होते हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं रात को 3 बजे के बाद घर में देख रहे राइट पढ़ता हूँ, अकेला हूँ कमरे में, खुदा की कसम मेरा कमरा खुशबू से महक जाता है। कोई बुजुर्ग आते हैं घूमते हैं फिर से, वरना कैसे मेरा कमरे में खुशबू का सवाल, इतनी ऐसी खुशबू होती है कि जिसका जवाब ही नहीं है। अच्छा फिर अगर मेरी आंख लग जाए ना तो मेरे हाथ पे पैर पे हाथ मार के मुझे उठाने के तेरा टाइम हो गया पड़ देगा। तो जिन्नात है, अच्छे भी है बुरे भी हैं। और मैं सबको ताकीद कर रहा हूँ कि हमारे हुजूर पाक ने मना किया है बिल्ली को, बिल्ली में 90% जिन्नात होते हैं, बिल्ली को कभी नहीं मारना, कितना बड़ा नुकसान करे, समझे। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्ली को नहीं मारना, छपकली को नहीं मारना, ये क्या है? बिल्ली का हुजूर पाक ने कि कितना बड़ा नुकसान करे, इसको फूलों की छड़ी, इसको फूलों की छड़ी कौन मारेगा, बिल्कुल नहीं मारना, ये नुकसान करती है। इसमें जिन्नात होते हैं, आपको सुना ना किस्सा, हम नाजमाबाद गए हमारी नानी के घर, तो वहाँ उनके पास खाने में कुछ नहीं, एक बिल्ली भी अपने आप करती हुई आ गई, बड़े हरामदारी के पास तो खाने भी कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर में वापस आई, खुदा की कसम उसकी कमर के ऊपर चांदी का रुपया, उस वो रुपया जो था उस वक्त 500,000 के बराबर था, पापे बिस्कुट दूध ला के उन्होंने खाना पिलाया हमें, बिल्ली कमर पे लेके आई है। तो हर किस्म के होते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बेटा कह रहा हूँ कि 74-75 साल का उम्र का हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ, आज मिलाया, बहुत अर्से से मिला रहा था, आज मिलाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत, मेहरबानी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें, ये एक इंटरेस्टिंग, हमने हमेशा ही सुना है काली बिल्ली, एक मुझे लगता है कि वो हमने तो एक रंग को जो है ज़रा टारगेट कर दिया, जैसे इन साहब ने बताया कि बिल्ली को कभी नहीं मारना चाहिए। होपफुली कोई सही इन्फॉर्मेशन ही होगी इनके पास, तभी इन्होंने हमें ये बात बताई है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, आई एम सबा। मैं आपके साथ गुजरांवाला सेशन हाउस का वाकया शेयर किया था, अब मैं आपको अपने साथ लाहौर का एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। मेरे वालिद का ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स से, तो मैं लाहौर खाला के घर स्टे कर रही थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के एक हफ्ते के बाद मुझे भी मुल्तान जाना था। खाला का घर ग्राउंड प्लस वन था। खाला के ग्राउंड फ्लोर पे बुटीक है। खाला सारा दिन बुटीक में होती थी और खालू और उनके बेटे जॉब से पे जाते थे। सब रात 9-10 बजे तक ही घर आ जाते थे। मैं पूरे दिन घर में अकेली होती। मैं किचन के सामने बैठ के टीवी देख रही होती थी तो मुझे किचन से बर्तनों की आवाज़ आती थी। मैं इग्नोर कर देती थी कि शायद नीचे बुटीक के किचन से आवाज़ आती हो, मगर अक्सर इतनी क्लियर आवाज़ होती थी कि किसी डाउट की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। टीवी के चैनल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते। मैं इग्नोर कर देती कि मे बी टीवी ख़राब है, लेकिन चैनल्स सिर्फ तब चेंज होते जब मैं मौजूद नहीं होती। मुझे वैसे भी डर कम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट रेजिडेंस में मैं रही हूँ, वहाँ पे वाकयात बहुत ज़्यादा होते थे, इसी वजह से अब डर नहीं लगता। बातों की आवाज़ आती थी तो इग्नोर कर देती थी कि शायद बुटीक से आ रही हो। लेकिन एक दिन जब मैं अकेली थी तो मैं बहुत डर गई। अचानक से लाइट चली गई और मैं सो रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। मेरे रूम से टीवी नज़र आता है। मैं क्या देखती हूँ कि चैनल्स चेंज हो रहे हैं, टीवी का फुल वॉल्यूम हुआ हुआ है और लाउंज से औरतों और बच्चों के ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। ये मेरा आखिरी दिन था लाहौर में। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं फौरन नीचे बुटीक भागी और फिर ऊपर नहीं गई। मैंने ये इंसिडेंट किसी से शेयर नहीं किया। तकरीबन एक साल के बाद मेरी बहन शादी करके उसी घर गई। वो बताती हैं कि टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। वो रात को जब माइक्रोवेव और टीवी के प्लग्स निकाल देती थी तो सुबह प्लग्स दोबारा स्विच में लगे होते थे। घर में किसी और ने भी नहीं लगाए होते थे। एक दफ़ा रात में ऐसा हुआ कि वो रूम में सो रही थी कि टीवी लाउंज से टीवी के लाउड आवाज़ आने लगी। वो जब रूम से बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि माइक्रोवेव खाली चल रहा है, टीवी ऑन है। सब परेशान हो गए। फिर एक साहिब दीन की हेल्प से ये मसला सॉल्व करवाया गया। आई एम सॉरी मिन्हाज, ये ईमेल काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन देर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट आई वॉन्ट टू शेयर। जब हम गुजरांवाला सेशन हाउस में थे तब मेरी बड़ी सिस्टर ने कुरान हिफ्स करना स्टार्ट किया था। कुछ महीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। ट्रांसफ़र के बाद भी उनको शेडोज़, छपकलियाँ, काली बिल्लियाँ नज़र आती थीं जो किसी और को नज़र नहीं आती थीं। फिर एक आलम दीन से रुजू किया तो पता चला कि वो रोज़ सुबह 5 बजे उठकर सूरह यासीन हिफ्स करती थीं। उनके टाइम फिक्स करने की वजह से ये चिल्ला बन गया था और उन पर सूरह यासीन का मौकिल हाजिर हो गया था जो उनको तंग करता था। आलिम साहब ने बताया कि कुरान पाक के हर हर्फ पे अल्लाह ने मौकिल लगाया हुआ है, तो जब आप कोई पर्टिकुलर सूरह हिफ्स कर रहे होते हैं तो आप टाइम फिक्स ना करें। कुरान पाक सूरह फातिहा से पढ़ना स्टार्ट करें और वज़ाइफ भी किसी आलिम की इजाज़त से पढ़ें। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आगे जा के शेयर करूँगी। चलें जनाब, भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जहांगीर बात कर रहे। यामीन जहांगीर जी, जहांगीर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जहांगीर, क्या कोई वाकया हुआ आपके साथ? देखें, एक वाकया है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। जी बताइए। वो ये फरमाती है कि एक दफा मेरे घर में एक सांप आ गया, तो यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का वाक्य है।
सही। तो कहीं हमारे घर में एक सांप आ गया, तो आयशा ने फरमाया कि मैंने उसको मार दिया। मैंने उसको मार दिया तो रात को मुझे ख्वाब आया कि ख्वाब में मुझे बताया गया कि तुमने हमारा बंदा मार दिया। तो आयशा कहती है मैंने उसको ख्वाब में ही कहा कि अगर वो आपका बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों के सब मैं घर में क्यों आया, उसको आना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कहा ये हमारा जिन था और आपने उसको मार दिया। तो आयशा उसके पास उठी और उसके बाद उन्होंने जो एक खून बहा होता है ना आदमी का, सही, वो खून बहा अदा किया और उस बड़ा अफसोस किया कि मुझे पता नहीं लगा कि मैंने किस तरह जिन को मार दिया जबकि वो सांप की शक्ल में आया। सही। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को ना चिराग बुझा के सोया करो, दरवाजे बंद करके सोया करो और बर्तनों के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई चीज रख दो या धो के सोया करो। इसलिए आपने फरमाया कि चूहा जो है शैतान जो है चूहे के अंदर आ जाता है और वो चूहा जो है वो चिराग को गिरा के घर को आग लगवा देता है। चूहा जो है वो जिन्नात चूहे में आ जाते हैं। हाँ, जो शैतान है आप सबसे फरमाया कि वो चूहे के अंदर आ जाते हैं और वो चूहा जाके चिराग को गिरा देता है, घर में आग लग जाती है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब ये बातें बताई हैं। अच्छा, शयातीन जो होते हैं वो हमारे बर्तनों में आ जाते हैं, हमारे खाने की चीजों में आ जाते हैं। इसलिए आपसे ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, हर चीज को दरवाजा बंद करो, घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो। तो जो शयातीन जो जिन्नात होते हैं वो जी उसे हिफाजत हो जाएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने एक ऑडियो टेप की तरफ। मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप लोग अपने वाकयात हमें रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप लोग बड़े आसानी से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ पर आपने विटनेस किया हो कि वहाँ जिन्नात थे और आपके साथ ये वाकयात हुए, तो आप मुझे ईमेल वैसे भी कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 02134326676 पे। बढ़ते हैं अपने इस ऑडियो नोट की तरफ और देखते हैं कि कौन है जो अपना वाक्य हमसे शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम एहसन है और मैं कराची में रहता हूँ। मिनाज भाई, लास्ट ईयर दिसंबर में मैं अपने कज़न की शादी में एबटाबाद गया, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ अजीब से इंसिडेंट्स हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा भी फर्स्ट तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी सबसे छोटी मामी को छोड़ने के घर गया, मैं और मेरे साथ मेरा कज़न था फहद। हम वापसी में आ रहे थे तो मिनाज भी वहाँ से रास्ता वापसी का ऐसा था कि हमें रास्ते में पहले कब्रिस्तान पड़ता था, ठीक है, उसके बाद वहाँ का रोड ऐसे है ना कि ऊपर रोड और नीचे खाई और साथ में झाड़ियाँ क्योंकि सर्दी थी तो वो झाड़ियाँ थी। तो हम लोग आ रहे, हम लोग जब वापसी में अपने बड़े मामू के घर आ रहे थे मामी छोटी मामी को छोड़ के, तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है, हमारे साथ कोई चल रहा है। तो मैंने टॉर्च घुमाई, पीछे देखा कोई भी नहीं। देन फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर मुझे फील हुआ कि यार कोई पीछे हमारे चल रहा है। मैंने दोबारा टॉर्च घुमाई, देखा कोई भी नहीं। फिर थोड़ा सा चले हम आगे तो फिर मुझे महसूस हुआ यार पीछे कोई चल रहा है, क्योंकि हम दोनों ही थे और वहाँ पे दूर दूर कोई बंदा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई पीछे कोई चल रहा है। तो मैं पीछे मुड़ने लगा तो मेरे कज़न ने मुझे पकड़ लिया, उसने कहा पीछे नहीं मुड़ना, आवाज़ तुम्हें भी आ रही है और आवाज़ मुझे भी आ रही है, और ये टाइम इधर रुकने का या पीछे मुड़ने का बार बार देखने का नहीं है, ठीक है, जो पढ़ना आता है, जो पढ़ाई तुम्हें जहन में आ रही है पढ़ो और यहाँ से चलते हैं। बस मैंने आज भी जो मुझे उस टाइम पे आ रहा था जहन में, जो मेरे आ रहा था, मैं बस पढ़ के जैसे जैसे करके वहाँ से निकला और अपने बड़े मामू के घर पहुँच गया। हमने घर में किसी को बताया नहीं कि वो फिर तो कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने किसी से
कोई बात नहीं की, बिल्कुल चुप हो गए। देन एक वीक बाद हम एक और अपनी जो मेरी मामी है, हम उनके घर रात रुकने के लिए गए, तो उन्होंने जो हमें रूम दिया ना, वो मेरी कज़न का था जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई है, और वो उस कमरे में अकेली सोती थी। अच्छा मिनाज भाई, वो रूम ऐसा था ना कि वो पूरा पैक रूम था, ना उसमें कोई विंडो, ना उसमें कोई ऐसा डोर जहाँ से हवा अंदर इंटर हो, बगैर जब तक आप फ़ैन नहीं लगाएंगे रूम में हवा आ ही नहीं सकती, तो वो रूम ऐसा था। तो 12 बजे का टाइम था, हीटर लगा हुआ था, मैं और मेरा कज़न फाद हम मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि दो दफ़ा ना दरवाज़े पे नॉक हुई। अब जब दरवाज़े पे दो दफ़ा नॉक हुई तो मेरे कज़न ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, हम दोनों चुप हो गए क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आया। देन आधे घंटे बाद दोबारा नॉक हुई, सेम जैसे सेम फर्स्ट टाइम हुई वैसे ही दोबारा नॉक हुई। तो मेरे कज़न ने मुझे कहा, यार ऐसा करते हैं मामी को उठाते हैं और हम बड़े मामू के घर चले जाते हैं। मैंने कहा यार छोड़, अब 12:30 बज गया, अब वहाँ जाएंगे, छोड़ो यहीं पे रात गुजार लेते हैं, सुबह देखेंगे। तो हमने सोचा, हमने कहा चलो 1 बजने वाला है तो अब सो जाते हैं। अब हम बेड पे आए, अच्छा मैं राइट साइड पे था बेड की और मेरा कज़न लेफ्ट साइड पे था, और जो मेरी कज़न की लेफ़्ट साइड की साइड टेबल थी उस पर ऐसा हुआ कि हमारी हल्की सी बिल्कुल आँख लगी, जैसे एकदम आँख लगती ना, तो ऐसा हुआ उसके पास उसकी साइड टेबल पे आकर किसी ने ज़ोर से हाथ रखा, हम दोनों की आँख खुल गई। तो हमने कहा यार ये क्या हुआ, उसने कहा साइड टेबल बजी है। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर गुजरी फिर हमने बस खामोश होके ना सुन लिया और चुप हो गए, क्योंकि हमें डर लग रहा था ना एक दूसरे से हम बात कर सक रहे हैं ना कुछ बता सक रहे हैं। देन थोड़ी देर गुजरी और फिर ऐसा हुआ कि उसकी साइड टेबल दोबारा किसी ने आकर जैसे ज़ोर से हाथ रखा, जैसे कोई चीज़ हमें सोने नहीं दे रही। तो हमें मैंने कहा यार अब क्या हो रहा है, अब हम बैठ गए, हमने कहा अब नींद तो आ नहीं रही तो लेटने का फ़ायदा नहीं है, बैठ जाते हैं। हम बैठ गए सॉरी तो ऐसा हुआ कि अब हम बैठ गए। देन अब मेरी जो राइट साइड टेबल थी, अब उस पर ऐसा लगा किसी ने आके हाथ रखा। अच्छा ये ऐसा जब हो रहा था ना जब हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्की हल्की नींद में होते थे और कोई आके हमें जगाता था, जैसे कोई हमें सोने ना दे रहा हो, तो वो ऐसा हो गया। हमें जो राइट साइड पे जो स्टोर था उसका दरवाज़ा वो भी नॉक होने लग गया। अब मीनार भी ये तो सब नॉक होने तक तो उस बात ठीक थी, फिर ऐसा हुआ जिसने हम दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। और मिनाज भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मिनाज भी उस रूम में जो पर्दा लगा होता ना वो बहुत हैवी था, उस पर्दे को आप अगर हाथ से आप ऊपर करेंगे ना तो वो वैसे हो सकता है, हवा से वो कभी ऊपर नहीं हो सकता, बहुत तेज़ हो तो तब, लेकिन क्योंकि वो रूम ऐसा था ना कि वहाँ हवा आ ही नहीं सकती तो उसका ऊपर होना बनता ही नहीं है। तो मिनाज भी वो पर्दा ऊपर हुआ है हमारे सामने देखते हुए, ठीक है हम दोनों देख रहे थे, वो पर्दा ऊपर हुआ और ऊपर होके नीचे हुआ, और जब वो नीचे हुआ ना तो उसके पीछे ऐसा लगा कोई खड़ा हुआ है। अब वो इंसान औरत जो भी था लेकिन हमें समझ नहीं आया, लेकिन कोई खड़ा हुआ है। अब ना हिम्मत मेरी थी ना मेरे कज़न फहाद की हो रही थी कि जाके देखें कि कौन है कौन नहीं है। हमने बस आंखें बंद की और हम पढ़ें जो देख, अब देख भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर गुजरी वो फिर पर्दा ऊपर हुआ और नीचे हुआ, लेकिन इस बार पीछे कोई भी नहीं था। तो मैंने आज भी ये हमारे साथ जब फजर की अजान तक दरवाजे बजना और ये पर्दे ऊपर होना, साइड टेबल्स बजना, ये हमारे साथ फजर की अजान तक होता रहा, हम बिल्कुल भी नहीं सोए। फजर की अजान हुई ये सब कुछ होना बंद हो गया, हम सोए और सुबह जल्दी उठ गए 8:30-9 बजे तक। तो हमने उठते ही फ़ौरन सब घर वालों को बताया, हमने कहा भाई हमारे साथ रात को ये हुआ है, तो सब ने कहा यार नहीं तुम्हारा वहम है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मैंने आज भी हमें ऐसा लगा कि जो चीज़ हमें पीछे से जब हम मामी की तरफ से आ रहे थे, जो मैंने कहा आपको कि ऐसा लगा मुझे पीछे से कोई आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ शायद हमारे साथ यहाँ तक आ गई हो। और ऐसा भी है कि
हमारा वहम हो, लेकिन मिनाज भी वहम हो भी नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें हम जब सामने बजते हुए देख रहे हैं, पर्दा ऊपर हो रहा है, पर्दा इतना हैवी था आप हाथ से उसको ऊपर करें वैसे वो ऊपर हो ही नहीं सकता, और वो पूरा ऊपर गया और जा के नीचे आया, उसके पीछे वादे तौर पे कोई खड़ा हुआ था। तो मेरे जो मामी थे वो कह रही थी तुम्हारा वहम है, तुमने कोई ख्वाब देख लियो। मैंने कहा चलो मेरा वहम है ठीक है, मेरे साथ मेरा कज़न भी था। मैंने कहा दोनों को ख्वाब सेम टाइम पे कैसे आ सकते हैं, दोनों का वहम सेम टाइम पे कैसे हो सकता है। तो मिनाज भाई ये हमारे साथ वहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, और भी मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वॉइस में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी ऑडियो नोट हमें भेजी, थैंक यू। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं 0213432666 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अदील बात कर रहा हूँ, मिनाज भाई कराची से। अदील कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। अदील कोई वाक्य है जो आप शेयर करेंगे? जी मिनाज भाई, मेरे साथ ये वाकया तकरीबन लॉकडाउन से पहले हुआ था। इस डिपार्ट में कहाँ पे हुआ था? डिपार्ट में मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर हूँ, नाइट ड्यूटी करता हूँ। सही, तो अभी भी मैं उसी डिपार्ट में ही हूँ। तो हमारे डे में एक लड़का था जो यहीं पे रहता था डिपार्ट के अंदर ही। सही, तो रात को यहीं सोता था, तो हम लोग नाइट में थे, मैं और मेरा दोस्त। तो तकरीबन 2:30 बजे का या 3 बजे का टाइम होगा, तो वो अंदर से एकदम वो हंसता हुआ निकला, ना सो रहा था वो अंदर रूम के अंदर। सही, तो फिर वो हंसता हुआ निकला। उसकी हंसी एक तो नॉर्मल होती है, एक बिल्कुल अब नॉर्मल हंसी होती है ना, बिल्कुल तो बंदा देख के डर जाए। राज भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलते रहे आप। तो अब वो टांग पे हाथ मार मार के जोर जोर से वो हंसता रहा, तो मेरा दोस्त ना उसके बाद जाने लगा, तो मैं समझ चुका था कि मामला तब कुछ और हो चुके हैं, तो मैंने उसको दूर हटा लिया। मैंने बोला तुम उसके करीब में जाओ, खाली अब देखो ये क्या करने वाला है। तो वो अचानक से वो हंसता हंसता हमारे करीब आया, करीब आके फिर वापसी मुड़ गया। वापसी मुड़ने के बाद वो डिपार्ट से बाहर निकला, गेट खोला उसने, तो मेरा जो डिपार्ट है वो सेकंड फ्लोर पर है। सही, तो वो बिल्कुल बाहर आ गया विंडो के पास, तो वहाँ आके ना हंसता रहा हंसता रहा, आंखें बड़ी हो गई, आंसू निकलने लगे उसके, तो एकदम वो गिर गया। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। अब जैसे ही मैं उसके करीब गया वो एकदम उठा और आवाज चेंज हो गई। आवाज चेंज जब हुई तो इसके जो सारे लड़के हमारे डर चुके थे, मैं अकेला वाइट इसके पास खड़ा हुआ था, वो कूदने की कोशिश कर रहा था ऊपर से ना। सही, तो मैंने उसको पकड़ा, तो बस वो एक ही बात आवाज चेंज, और वो बोले यार कि मैं तुझे मार दूंगा। तो मैंने फटाफट आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी इसके ऊपर, तो एकदम से वो बेहोश हो गया। 10 मिनट के बाद उसको जब होश आया तो वो मुझे बोल रहा कि अदील भाई मैं यहाँ कैसे। तो मैंने उसको बोला यार तू उठे नहीं रहा था, हम लोग बाहर जा रहे थे चाय पीने, तेरे को हम उठा के लाए डंडा ढोली करके। यानी उसको खुद पता ही नहीं है कि वो किस तरह बाहर आया, उसने क्या किया, और ये अचानक से हुआ है बस। ये जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई ये है कि इस तरह कुछ होता है? जी जी मिनाज भाई उस जगह पे है, अच्छे है वहाँ पे, या तो उसने कोई गलत हरकत करी थी उस जगह पे ना, जब भी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वाकया तो बहुत है, मेरे साथ होते रहते थे इसी डिपार्ट में, अभी भी मैं उसी डिपार्ट में ही हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह कॉल करूंगा मैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर बताऊंगा। बहुत बहुत नवाज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह। चल जनाब, ये हमारे कॉलर्स थे और एक टेप थी जो हमने शामिल की अपने शो में। अब हम बढ़ते हैं अपने ईमेल की तरफ, देखते हैं कि ईमेल हमसे क्या कह रही है। सलाम, कैसे हैं मिनाज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो वाक्य बता रहा हूँ ये पुराने शहर जामा क्लॉथ मार्केट की तरफ का है,
वहाँ हमारा एक घर था जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग में था। मेरे दादा ने आज़ादी के बाद जब माइग्रेट किया और पाकिस्तान आए तो उन्हें ये एक घर अलॉट हो गया था, जिसमें मेरे वालिद साहब की शादी भी हुई। और फिर जब हम वहाँ रहते थे तो अक्सर मेरे वालिद साहब बताते थे कि इस घर में कोई अच्छी मखलूक है जो हमें नुकसान तो नहीं देती बल्कि फ़ायदा देती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। काफ़ी अरसे हम वहाँ रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे भाई की शादी का सिलसिला हुआ तो हमने घर रेनोवेट करवाया। टोटल 3 कमरे थे, जिसमें से एक रूम वो था जहाँ हमें ये मखलूक इबादत करती हुई कभी कभी दिखाई देती थी और हम भी एज़ यूजल वही रहते थे, हमें कभी उन्होंने परेशान नहीं किया। लेकिन ड्यूरिंग रेनोवेशन हम वहाँ आवाज़ लगाना भूल गए और हमने वहाँ काम स्टार्ट करवा दिया। छत का प्लास्टर का जो उस मखलूक के बच्चे मौजूद थे, जो कि थोड़ा पोड़ी में मजदूर से मर गए, जिसकी वजह से मजदूर नेक्स्ट डे ही हार्ट अटैक से मर गया। हमें जब तक कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक बार ये हुआ कि अब्बू को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो अब्बू ने अम्मी से कहा कि ड्रॉस में कुछ डॉलर्स हैं, वो चेंज करवा लेते हैं, मजदूरों को दे देंगे ताकि थोड़ी सी उनकी कमाई हो जाए। जब ड्रॉस खोली तो उसमें पैसे नहीं थे। अम्मी ने कहा कि ड्रॉस से डॉलर्स, अब्बा परेशान हुए, थोड़ी देर चोरी समझकर इग्नोर किया कि किसी मजदूर ने निकाल ना ली हो, और फिर जाकर अपनी ड्रॉस खोली तो वहाँ पे पैसे मौजूद नहीं थे। घर की सब ज्वेलरी गायब हो चुकी थी, सब घर में परेशान थे। फिर वालिद साहब ने एक मुफ्ती इकराम से राब्ता किया, सब माजरा बताया गया। उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे पढ़ाई करनी होगी, यहाँ पर कुछ बता सकता हूँ लेकिन पढ़ाई के होने के बाद। उन्होंने ये बताया कि वहाँ उस मखलूक के बच्चे थे जब तुम लोगों ने काम शुरू कर दिया, जो कि आपने मार दिए, अब वो आपकी जानी दुश्मन हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दें, और आपकी सब ज्वेलरी और पैसे उस मखलूक ने समंदर में जाके डाल दी हैं, अब सिर्फ आप अपनी जान बचाएं और जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दें। इसके बाद के भी और वाक़यात हुए, फिर कभी और बताऊँगा, लेकिन हमने वो घर फौरन ही खाली कर दिया। चलो जनाब, भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? कौन बात कर रहे हैं? शाहनवाज बात कर रहा हूँ। शाहनवाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक सर जी, बताइए क्या वाकया हुआ? सर मैं आपका ये शो सुनता रहता हूँ, तो अक्सर मेरी ड्यूटी नाइट में होती है, सिक्योरिटी गार्ड में नाइट ड्यूटी करता हूँ। सही, तो जब भी मेरा मतलब दिल करता है कि कभी आपका शो सुनू या नहीं, लेकिन आपका जब जब शो नहीं सुनता तो मुझे मजा नहीं आता। सही है? अच्छा, तो मतलब मैं एक शो का आदि हो चुका हूँ, 2018 से आपका शो सुन रहा हूँ मैं, तकरीबन 2017 या 2018 से। अच्छा, तो वैसे मेरा तारुफ कराची से है नहीं, लेकिन मैं इधर कराची में सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ। तो आपके साथ कोई वाकया पेश आए? नहीं सर, शुक्र अल्लाह का ऐसा कोई वाकया नहीं आया, लेकिन जब भी मैं आपका शो सुनता हूँ तो मतलब अकेला ही होता हूँ ड्यूटी में, दूर दूर ड्यूटी लगती है हमारे, तो अलग अलग गार्ड होते हैं, तो वहाँ पे मुझे जो अजीब एक डर हो गया सर ड्यूटी के दौरान, जो है ना आपका शो सुनता हूँ तो अकेला होता हूँ तो मुझे मतलब खौफ रहता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो ये तो देखिए, वो तो शो सुनने की वजह से शायद हो रहा है ना, है ना? तो ज्यादा महसूस होता है, मतलब मेरे जिस्म में एक मतलब बुखार की तरह हो जाता है या कुछ, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते सर। तो ज्यादा बेहतर ये कि आप फिर ये शो ना सुने, क्या आपको मतलब अगर डर लग रहा है या वहम हो रहा है और आपको इससे लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही, तो आप ना सुने। तो मैं सर एक आदि हो जाता हूँ आपके शो पर। अच्छा, उस वजह से मुझे मतलब एक चीज मतलब दूर 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 चीज लगती है, तो मतलब ऐसा कोई मेरे साथ दूसरा नहीं होता है तो गाड़,
अच्छा, इस वजह से जो है तो मतलब अजीब एक महसूस होता है सर। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, यही पता लगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आज हम कॉलर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद कॉल हमारी बेहतर हुई है, तो आवाज़ आ रही है तो लोग कॉल कर रहे हैं तो उनको शामिल करते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? भाई शकील अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शकील साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है भाई, आपका फर्स्ट टाइम शो सुना हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लोग बातें कर रहे हैं डराने वाले की। अच्छा, आपके साथ आपका इन बातों पे यकीन है? भाई यकीन था नहीं लेकिन हो गया था 2008 में। अच्छा, पहले नहीं था। और 2008 में क्या हुआ ऐसा जो आपको यकीन आ गया? मैं 2008 में स्कूल में ही था उस वक्त, मैं ना इतना बड़ा था ना इतना छोटा था, दरमियाना था उस वक्त, क्लास 4 में पढ़ता था उस वक्त मैं। सही। लेकिन एक रूम क्लास रूम था हमारा, उसमें कोई बच्चा बैठते नहीं थे, वो दरवाजा बिल्कुल बंद किया हुआ था ना। सही। और प्रिंसिपल ने हमको सख्ती से मना किया कि इस कमरे में आप लोगों ने किसी ने भी नहीं जाना। और जाहिर बात छुट्टी के टाइम पे मेरी और हम तीन चार दोस्त, हम जो की जिम्मेदारी थी लाइट वगैरह सब बंद करने की, दरवाजा वगैरह ताला वगैरह लगाने की ना, तो हम दोस्तों ने ये फैसला किया कि इस रूम में जाने। जैसे ही हम लोग उस रूम में गए तो उस रूम का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अच्छा। तो मेरे दोस्तों बाहर थे, मैं अंदर था, दरवाजा बंद हो गया तो मैं अंदर ही और बाहर आवाजें दे रहे। तो उसके बाद फिर मैं और भी अंदर चला गया, उसके अंदर भी एक रूम था, मैं उसके भी अंदर चला गया। सही। उसके अंदर गया तो उसकी मुझे तो फिर पता ही नहीं चला, वो प्रिंसिपल को लाए, प्रिंसिपल ने मैं फिर जब मुझे नीचे लाया गया ना ऑफिस में, उससे मैं ऊपर पानी में गया पिंगा गया, फिर मुझे होश में आया, फिर प्रिंसिपल ने पूछा आप लोग गए क्यों थे। उसके बाद मुझ पर असर हो चुका था बाहर का साया, अभी भी है, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि नहीं है, अभी भी है मेरे अंदर। अभी भी है आपके अंदर? आप कहते हैं जी जी मेरे अंदर है अभी भी। कैसे मेरे पता अभी दो है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती। नहीं लेकिन ये आपको पता कैसे चला है कि आप कैसे कह सकते हैं कि है? आपको क्या फील होता है? ये फील नहीं होता, जिससे मैंने करवाया हुआ है ना अपना, उसने मुझे कहा है कि ये चीज आप नहीं उतारोगे, जिस दिन आपने उतार दी ना उस दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। नहीं, क्योंकि अच्छा। एक मरतबा मैंने उतारने की कोशिश की थी। सही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, तो फिर मुझे फिर ऐसी मैं उसी कैफियत में चला गया जैसे मैं 2008 में था। तो फिर मैंने दूसरे दिन फौरन उसको ढूंढा, उस टाइम लिया मैंने दोबारा से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने कभी, आपको ऐसा हुआ है कि आपको कोई दिखा हो, किसी ने आपसे बात की हो? जी हाँ। जी तो क्या? मेरे घर की सीढ़ी है वहाँ पे, मैं रात को कभी कभार अकेला होता हूँ ना 12-1 बजे वहाँ पे होता हूँ, तो मोबाइल पे वाईफाई फेसबुक वगैरह यूज करता हूँ वहाँ पे होता हूँ, तो वहाँ पे एक ज्यादा नहीं मुझे बिल्कुल बुजुर्ग आदमी होते हैं वाइट कपड़ों में, बिल्कुल लंबी दाढ़ी होती है, वो अक्सर मुझे कहते हैं बोले मांग बेटा जो मांगना मुझसे। सही। लेकिन मैं डर के मारे उससे कुछ बोलते ही नहीं, वो मुझे ऐसे नहीं बोलते कि ये डर नहीं लगते उनसे, लेकिन ये कि वो मुझे बोलते हैं आप मांगो जो मुझसे मांगोगे मैं दूंगा आपको, लेकिन मेरी उसके आगे हिम्मत नहीं होती। और आपकी ये जो कैफियत है इसके बारे में आपके घर वालों को पता है? ये सबको पता है, घर वालों को। और आपने जिसको भी ये दिखाया तो उन्होंने क्या बताया, क्या वजह बताई कि आप ना इनको अपने से अलग करें? जी अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक पहले थे सही, वो उन लोगों से निशानी वगैरह ली गई थी, वो हिंदू थे पहले। सही। उनसे कलमा वगैरह पढ़ाया गया, उनसे निशानी वगैरह ली गई, वो चले गए। उसके बाद फिर जब दूसरी मरतबा हुआ ना उस वक्त, अभी मेरे अंदर है मुसलमान, ये कुछ नहीं कहती। अच्छा। अगर ये जो मैंने गले में चीज डाली हुई ना इसको उतार दू ना, जो मुझे उसने वजीफा दिया वो ना पढ़ू, तो फिर उसी कैफियत में हो जाता हूँ। एक मतलब मैंने उतार के अपने दराज में रख दिया था, इसी जगह पे जहाँ पे
अम्मी को पता ना चले, लेकिन मेरी कैफियत ऐसी हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहनना। जैसे मैंने अलमारी से अपने दराज से वो निकाला, फिर पहन लिया, अल्लाह का शुक्र सही हो। और वो कैफियत क्या होती है? नहीं बस वो अब बयान नहीं कर सकती इतना, लेकिन मेरे लिए फिलहाल वो सही है क्योंकि मैं इस पे मुतमिन हूँ, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ये तो नहीं होता कभी आपके ऊपर कि आपकी वो, जैसे हम सुनते ना आवाज चेंज हो गई, कुछ ऐसा ऐसी चीज जो यूजली नहीं होती इंसानों में, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? जी बहुत मरतबा हुआ है। तो वो आपको नुकसान तो पहुंचाती नहीं है? नहीं मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। और ये एक बुजुर्ग है जो आपके साथ अटैच है आप कह रहे हैं? जी जी, एक मरतबा मेरे भाई को नुकसान, मेरे भाई और मामू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया था। अच्छा, ये लोग बाहर निकल के मुझे अंदर डाल दिए इन लोगों ने, ये सर ये दोनों बच गए थे। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह भाई आपका शो फर्स्ट टाइम सुना हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा मैं भी कॉल कर लूँ, आपसे बात कर लूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो वो बुजुर्ग हैं उनसे भी कहेगा कि हमारे लिए दुआ कर ले। ये तो बहुत जल्दी थिंक भाग गई। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये एक कॉलर थे जो कि क्लेम कर रहे थे कि इनके साथ, अभी जब हम बात कर रहे थे तो इनके साथ कोई और मखलूक भी अटैच्ड है, और बकौल उनके कि वो एक अच्छे मखलूक है। तो चले खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट एक ऑडियो टेप की तरफ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेप है, गौर से सुनिएगा। कराची से बाहर का एक वाक्य है जो कि मैंने, मुझे आया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ठट्टा का था या सक्खर का था, कि एक मखसूस जगह है, मखसूस टाइम पे उस जगह पे वहाँ रात में निकलना मना कर दिया गया है वहाँ के मोहल्ले वालों ने। तो उसकी एक पूरी ऑडियो टेप हमारे यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं वो सुने। और कहा जाता है कि उस जगह पे एक ऐसी मखलूक नज़र आती है जिसका सर नहीं है, जिसको अमूमन लोग सर कटा कहते हैं, और अगर कोई रात को निकल जाता है तो उनको नुकसान पहुँचाती है ये मखलूक। अब इसी के हवाले से ये जो नेक्स्ट अब आप आवाज़ सुनेंगे ये क्या कहती हैं आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, समावी राष्ट्री फ्रॉम जामशोरो। पहले भी कुछ स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, पहले भी बताया था कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों में, एंटिटीज में इंटरेस्ट है कुछ ज़्यादा ही। तो अभी मैं YouTube पे आपके शो में डेली बेसिस पे सुनती हूँ, मतलब डेली आपका एक शो में लाजमी सुनती हूँ, मतलब जितने भी आपके प्रीवियस अपलोडेड हैं वो तकरीबन मैं सब सुन चुकी हूँ कुछ को छोड़ के। अभी मैं आप, क्योंकि आपकी रिसेंटली टैप्स वगैरह आपने कुछ ज़्यादा ही पोस्ट की हैं, तो अभी मैं टैप सुनती हूँ आपकी। तो अभी करंटली मैं एक टैप सुन रही थी जिसमें एक बंदे ने सर कटा इंसान का जिक्र किया, जो कि लाड़काना के पास, लाड़काना की तरफ का बोल रहा था कि उसने एक सर कटा इंसान देखा। तो एक्चुअली वो बात मैं क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि उस बारे में मुझे मतलब पूरी स्टोरी पता है कि वो चीज़ है क्या और वो कितने लोगों ने देखी है और वो उसका एग्जिस्टेंस कैसे आया। तो जब मैं मतलब 3 years ago मैं लाड़काना गई थी कंबर, वहाँ मैंने 5 से 6 दिन स्टे किया था। तो उधर क्योंकि जॉइंट फैमिलीज सैयद हैं और जॉइंट फैमिलीज वाला कल्चर है, तो उधर मतलब 7 से 8 भाई और उनकी फैमिलीज है साथ में रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बस हर किसी के अलग अलग कमरे, इस तरह से लोग रहते हैं उधर। तो अभी मैंने 7 दिन स्टे किया, तो उधर मतलब ये होता है कि कभी किसके कमरे में बैठ गया, कभी किसके, क्योंकि सबको टाइम देना होता है। तो मैं वहाँ पे मेहमान थी, तो मुझे अपनी कुछ कजन्स ने ये स्टोरी सुनी तो बचपन में भी थी, लेकिन बचपन में इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने उनसे पूछा अलग अलग, तो किसी ने मतलब सब ने एक ही तरह की स्टोरी बताई। तो उन्होंने उनके चाचा, उनके जो बड़े हैं दादा हाँ, उनके दादा का जिक्र किया कि उन्होंने खुद देखा है। तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि यार एक इंसान इधर है जिन्होंने खुद देखा है, जो बुजुर्ग हैं। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि शायद बच्चों को डराने के लिए बोला हो, लेकिन नहीं। फिर मैं 5 से 6 दिन रुकी, लेकिन मैंने नोटिस किया रात के टाइम कोई निकलता ही नहीं था घर से, कोई किसी को मना, मतलब मना था सख्ती से कि इस एरिया में इस तरफ जाना ही नहीं है। तो मिनाज कुछ स्टोरी यूँ है सरकटे इंसान की, कि कंबर सिटी, लाड़काना के पास कंबर सिटी है,
और वहां पे एक सरकटा इंसान दिखता है लोगों को, जो कभी साइकिल पे दिखता है, जो कभी पैदल दिखता है, लेकिन वो अक्सर रात को दिखता है, डेली बेसिस पे। कोई कुआं है वगैरह उसके पास जाता है या क्या, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको देखा है। और ये स्टोरी मैंने कंबर के 3 से 4 अलग अलग फैमिलीज के लोगों से सुनी है, मतलब एक जॉइंट फैमिली जो थी 5, इनसे, इनके अलावा इनके फ्रेंड्स, इनके नेबर, सबसे मैंने सुनी। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो मिनाज, कंबर में एक इंसान है जिसका सर कटा हुआ है और वो अक्सर रात को सबको दिखता है, और बहुत से लोग हैं जो आई विटनेस है, जिन्होंने खुद देखा है। तो उधर ही एक चाचा थे, एक दादा थे इनके, तो मैं उनके पास गई थी बैठने, उनसे बात की। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये क्या माजरा है जो बच्चे बता रहे हैं कि इधर कोई सर कटा इंसान। तो उन्होंने एक्चुअली बात बताई कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 साल पहले, बहुत अरसा पहले की बात है, जब यहाँ पे मदरसे हुआ करते थे और जब बच्चे नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो यहाँ पे मतलब उन्होंने एक उनके ही दादा, उनके दादा मतलब दादा या फादर, मुझे क्लियर याद नहीं है, का जिक्र किया था कि वो पढ़ाते थे मस्जिद में, वो मौलवी की तरह थे, मतलब कुरान पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन वो सिर्फ इंसानों को नहीं, लेकिन वो भूतों को, जो जिन्हों मतलब ये जो एंटिटी पैरानॉर्मल, जिनको पता नहीं अजीब अजीब नाम दिए हुए हम लोगों ने, वो उस मखलूक को भी कुरान पाक की पढ़ाते थे, वो पढ़ते थे। तो फिर कुछ हुआ यूं था उधर, अभी ये 2 अलग अलग स्टोरीज हैं जिनको मैंने ज्वाइन मिलाया था कि भाई ये एक ही चीज़ है। तो कुछ हुआ यूं था कि बच्चे और इंसान और भूत इंसानी शक्ल में एक साथ एक ही मस्जिद में बैठे कुरान पाक पढ़ते थे। हुआ यूं था कि एक बच्चा बैठा कुरान पढ़ रहा था और उधर ही उसके करीब ही एक मतलब ऐसी मखलूक थी जो उसके साथ ही पढ़ रही थी। उसको शायद मुंह में कोई सलाइवा वगैरह जैसे जमा हो जाता है, तो उसको मतलब वो थूकना था। तो उसने क्या किया, अपना मतलब सर उसका नेक ना बड़ा हो गया और वो नल के पास जाके वो फिर थूक के फिर वापस आया। अब उसकी इस एक्टिविटी को एक इंसानी बच्चे ने देख लिया, उस बच्चे को हो गया फीवर और फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, बच्चा बीमार हो गया। अब क्योंकि उसको उस बच्चे ने देख लिया और उसको फीवर हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो जो मौलवी पढ़ाता था उसको तो पता था कि कौन सी मखलूक है और क्या। तो फिर उसने क्या किया, पनिश किया था इन भूतों को, इन इस मखलूक को, कि अब वो इस जगह इबादत नहीं कर सकते, और कुछ तेल वगैरह गर्म करके और कुछ मतलब प्रोसेस किया था उनको यहाँ से हटाने का, क्योंकि इंसान अभी डरने लगे थे, क्योंकि वो बच्चे डरने लगे थे। तो उसकी वजह से मैंने सुना है कि उस बच्चे का मर्डर हुआ था। अब ये पता है सबको कि मर्डर हुआ था, तो उसकी बॉडी मिली थी, मतलब उसका सर कटा हुआ था। तो उस मस्जिद के में जो डंडे लगे होते, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज नहीं है उर्दू तो मुझे नहीं पता, वो ऊपर करके उसका सर रख के फिर नीचे किया था। अब ये स्टोरी है जो कि मैंने सुनी है, ठीक है, जो उनकी मुंह बोली जो उन्होंने बताया मुझे। तो अब सुना कहा ये जाता है कि ये वही बच्चा है जिसको मारा गया था, और ये वही बच्चा है जो कि बड़ा हुआ है, और ये वही बच्चा है जो अभी तक इधर चल फिर रहा है, क्योंकि उसकी डेथ किसी मस्जिद में हुई थी। अभी मेरे को नहीं पता मुझे क्लियरली कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या, लेकिन ये स्टोरी 2 है, ये सब बोलते हैं। और अक्सर उस सिटी के लोग जिन्होंने खुद देखा है, वो रात के टाइम 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, और 3 बजे के आसपास वो किसी कुएं के करीब वो चीज़ दिखती है। तो यही स्टोरी थी जो कि क्लियर करनी थी मुझे कि ये इस तरह से मतलब था। और उससे बहुत सी ज़्यादा स्टोरीज हैं इस सिटी के बारे में और ये सर कटे इंसान के बारे में, हर कोई जानता है उस एरिया में और हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो थैंक यू सो मच। है जनाब, ये लाड़काना सिटी का एक इलाका है जहाँ पे कहा जाता है कि रात के टाइम पे एक सर कटा नज़र आता है,
और वहीं के लोकल्स ने मुझे ये वाक़या रिकॉर्ड करके भेजा था, जो कि हमने यूट्यूब पे अपलोड किया। उसके बाद इन साहिबा का जो है, ये पहले भी मुझे बता चुकी हैं कि इनका बड़ा इस मामलात में ना बड़ा वो है, ये इन्वेस्टिगेट करती हैं जाके। तो इन्होंने जाके इन्वेस्टिगेट किया तो इनको पता चला कि उसकी हकीकत क्या है, असली है भी या नहीं। तो जैसे कि आपने ऑडियो में सुना कि ये एक फैक्चुअल वाक्य है और ऐसा होता है। अब और भी अगर लोग उस इलाके का हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी ज़रिए सुन रहे हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। दोबारा से नंबर बता दूँ, 021-3432-6761 नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? नाज भाई, मैं अनम जावेद बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। जी अनम, कैसी हैं आप? बस अनम जावेद ने यही बताने के लिए कॉल की थी। चलिए जनाब, दूसरे एक और नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वैसे तो मुझे मना किया गया है उठाने से, लेकिन मैं फिर भी उठा रहा हूँ, देखते हैं उसकी लाइन नहीं अच्छा है, नहीं उठा रहे, ये लाइन वाली बिल्कुल ख़राब है। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया। 021-3432-6761 वो नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। देखते हैं अब हमारे से लाइन पर कौन है मौजूद। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही, कौन बात कर रहे हैं? मैं असलम फारूकी बात कर रहा हूँ। असलम फारूकी जी? जी असलम साहब, कैसे हैं आप? जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। सर मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। नहीं आप अब सही बोल रहे हैं आप। ये इंडिया का वाक्य है जनाब, दिल्ली का। बताइए। जी दिल्ली के अंदर जिनों की मस्जिद है। सही। उस मस्जिद का हमने सुना तो हम यहाँ से पाकिस्तान से घूमने गए थे, तो हमने उस, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप पूरा वाक्य बता दीजिए। अच्छा, हमने सुना तो हम वहाँ गए देखने के लिए कि चलेगी मस्जिद, तुम जिनों की कैसी मस्जिद है। अच्छा, वो रोड के सामने मस्जिद है, पूरी ओपन, पतले पतले पिलर है बस, को इसके पीछे छुप नहीं सकता ऐसा। अच्छा, हम मस्जिद देखते देखते मुझसे ये गलती हुई, मैं मिंबर पे बैठ गया। हालांकि मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए, वो मौलवी की जगह होती है मौलाना की। अच्छा, मैं वहां बैठा तो देखा एकदम सामने कोई आदमी नहीं था, सिवाय हमारे वहां कोई इंसान नहीं था, एकदम दो आदमी सामने से आ गए। तो मुझे डर के था और मगरब का टाइम होने वाला था। सही। तो वो कहेंगे मेरे पास सीधे कहेंगे आप यहाँ गलत बैठे। मुझे एकदम एहसास हुआ, मैं कहा मैं यहाँ गलत बैठी हूँ, मुझे मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए। बस ये कहते हैं मैं उतर हूँ, मैंने कहा इनसे मस्जिद के बारे में पूछते हैं, आप पलट के गई रहो तो दोनों आई। जब अभी भी हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो 100% सही नहीं हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो काम कर रहे हैं। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि जिसको ढूंढने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं, हेलो 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 जी बोलिए, आप बताइए, आप ऑन एयर हैं, बताइए अपना वाक्या। नहीं भाई, इन्होंने बात ही नहीं करनी है, कोई और ही चक्कर में ऑन एयर है। खैर, चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो टेप की तरफ। ये जो मैंने लास्ट वीक एक नया सिलसिला शुरू किया है कि यूट्यूब पे एक हमारा कंटेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिव यूट्यूब का होता है, और एक होता है जो मैं रेडियो पे शो करता हूँ।
तो रेडियो वाले यूट्यूब का वो कंटेंट मिस कर जाते हैं अगर उन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, और इसी तरीके से वाइस वर्सा। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना यूट्यूब का बेस्ट, जो लोग मुझे अपने वाक्यात भेजते हैं और उधर हम अपलोड करते हैं और लोग सुनते हैं और उसके बारे में तज़िया देते हैं अपने जो भी राय, तो वो क्लिप मैं अपने शो पे भी डालूंगा। तो लास्ट वीक जो है मैंने मुमताज़ साहब का एक वाक्या था एयरपोर्ट का, उन्होंने वो बताया था। आज एक और वाक्या है जो कि हमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यासिर ने भेजा था, कल की टेप में वो मौजूद था, तो हम वो आज अपने शो में शामिल करें। एक इंटरेस्टिंग वाक्या है, गौर से सुनिए कि वो क्या वाक्या हमारे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम यासिर है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अभी जो मैं आपके साथ वाक्या शेयर कर रहा हूँ ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो मैंने खुद देखा लाइफ। तो मैं क्योंकि लाहौर में रहने वाला हूँ तो हम दोस्तों ने 16 साल पहले प्रोग्राम बनाया लाहौर से 150 किलोमीटर दूर जीटी रोड पे, एक पेट्रोल पंप पे टक शॉप ली हमने रेंट पे। तो अभी पेट्रोल पंप का नाम नहीं लूँगा, लोकेशन भी नहीं बताऊँगा आपको, बस इतना बताऊँगा कि पाकिस्तान के टॉप 10 पेट्रोल पंप्स में वो उनका नाम आता है। और ये ऑपोजिट साइड पे हैं, दो पेट्रोल पंप हैं, एक ही ओनर है, ओनर भी हमारा दोस्त है। तो आप अगर कभी आपने ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं जो हाईवेज पे होते हैं और जिनके इर्द गिर्द खेत वगैरह होते हैं, तो ये वैसे भी खेतों से ज़मीन से तकरीबन 15-20 फुट ऊपर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में भी आसानी होगी। आमने सामने पंप है और सेंटर में हाईवे है, और दोनों पेट्रोल पंप के तीनों तरफ जो है बाउंड्री वाल है, 4-5 फुट ऊंची, और बाकी तीनों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, मतलब काफ़ी किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। तो हमारे साथ काफ़ी अरसे से मतलब कुछ ना कुछ होता रहता था, तो हम लोग इग्नोर करते थे, कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब सम टाइम होना छत पे जैसे किसी ने हथौड़ा फेंक दिया, या कोई वजनी चीज़, कभी दीवार पे, कभी ऐसे जैसे छैनी और हथौड़े की आवाज़ आ रही है ठक ठक ठक, तो हम लोग यही समझ के इग्नोर कर देते थे कि भाई कहीं दूर कोई ट्रक वगैरह अपने वो टायर चेंज कर रहा होगा तो इसलिए साउंड हो रहे हैं। अभी सीन ये है कि क्योंकि पेट्रोल पंप और शॉप का जो काम है वो चलता है 24 घंटे, ठीक है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो 24 आवर सर्विस है। दो शिफ्टें चलती थी 12-12 घंटे की। ओनर जो दोस्त था मेरा, तो इसलिए उसने मेरे ऊपर एक और मतलब ड्यूटी लगा दी जिम्मेदारी के भाई आप रात के टाइम जब अपना हिसाब वगैरह लेने आते हो शॉप का तो आप पंप को भी चेक कर लिया करो कि कोई स्टाफ मतलब सो तो नहीं रहा या कोई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको निकाल दो और हम आपसे नहीं पूछेंगे, वो फिर एक इतनी बड़ी बात और ज़िम्मेदारी होगी मेरे पे। तो इसलिए मैं फिर अमूमन ज़्यादातर रात के टाइम ही छापे कह लो जिसको छापे कहते हैं मारता था पंप पे ना चेक करने के लिए। उस दिन रात को मैं 11 के करीब पंप पे गया हूँ, अचानक अपनी शॉप में गया हूँ, हिसाब किताब वगैरह लिया है, और 11:30-12 का टाइम हो गया। अब हमारे पंप पे ये होता था कि टाइम आते थे बसें जो हैं वो टाइम की आती थी और फुल होती थी, वो 72 सीटर होती थी एक बस, दोपहर 12 से शाम 5 तक का टाइम, और फिर रात 12 से सुबह सहरी के 5 तक का टाइम। इस टाइम में बसें आती थी और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है दोनों साइडों पे, 8 टर्मिनल बने हुए हैं उनके। तो खैर स्टोरी की तरफ आते हैं, वो दो जो है ना बसें इकट्ठी आती हैं और मैं फिर शॉप में खड़ा हो जाता हूँ साथ वर्कर के, मैं कहता हूँ चलो रश होगा तो डील कर लेते हैं इकट्ठे। अभी वो बसें निकलती नहीं हैं, 4 फिर आ जाती हैं पीछे से। अब इन बसों का टाइम होता है 15-20 मिनट आधा घंटा, इस तरह गैप से आती हैं। लेकिन उस दिन रात को ये सब के सब जो हैं वो इकट्ठी इकट्ठी टर्मिनल में आ रही थी।
मुख्तसर ये कि वो हम लोग काम से फारिग हो गए जल्दी, तकरीबन 2:30 का टाइम होगा हम लोग फारिग हो गए, क्योंकि हर बस ने 15 मिनट रुकना होता है और जल्दी आ रही थी तो ये ज़्यादा रुक रही थी, ज़्यादा स्टे कर रही थी। अभी जिस वक्त सारा लोड ख़त्म हो गया तो पंप का जो स्टाफ था वो भी रिलैक्स हो गया, बाहर जो है वो 3 लड़के रह गए नोज़ल्स पे कि अगर कोई लोकल कार आ गई या कोई मतलब मोटरसाइकिल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आ गई तो हम डील कर लेंगे, बाकी का स्टाफ दफ्तर में जाके जो है वो रिलैक्स हो गया। और क्योंकि अभी मेरा शॉप का जो खाता था, नई शॉप थी तो मैनुअल था, उसको मैंने अभी वो किया नहीं था, प्रिंट वगैरह नहीं करवाए थे, तो मैं अपने काम में लग गया। सुबह का लड़के को जो चार्ज देना था उसको स्टॉक दिया जाता था कि भाई ये चीज़ें इतने इतने स्टॉक की, उस हिसाब से आपसे जो है वो आपकी जब शिफ्ट ख़त्म होगी आपसे कैश ली जाएगी। तो मैं वो मैनुअली उसको लिख रहा था रजिस्टर पे ना बना रहा था। वर्कर जो था वो अपना काम में लगा हुआ था, शेल्फ वगैरह रिफिलिंग कर रहा था, चिप्स वगैरह बिस्किट जो जो चीज़ें लगनी थी उसमें बिजी था वो। तो अचानक ना हमारी शॉप में 2 लड़कियाँ आती हैं और बड़ी खूबसूरत, और उनको देख के लगता है भाई ये किसी शादी के फंक्शन वगैरह से आई हैं या किसी पार्टी को अटेंड करके आई हैं। तो वो आके बोलती हैं कि जी हमें बर्गर चाहिए, सुना है आपके पास बर्गर अच्छे होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितने बर्गर चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि हम लोग सिटी से बर्गर 5 किलोमीटर दूर थी, हम लोग 150-200 बर्गर डेली के मंगवा लिया करते थे। तो उस वक्त ये मैनुअल माइक्रोवेव होते थे बटनों वाले, उसमें गर्म करके दिए जाते थे। उन्होंने मुझसे 3 बर्गर मांगे, मेरे पास 5 रह गए थे, मैंने उनको गर्म कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि एक और दे दो, मैंने वो एक भी गर्म कर दिया। फिर उन्होंने लड़के को बोला कि आप ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इस तरह वो चीज़ें बताने लग गई। अब वो एक बर्गर रह गया था, वो मैंने कहा चलो ये भी गर्म कर लेता हूँ, ये ज़ाया हो जाएगा सुबह तक, खा लेते हैं यहीं पर। उन्होंने 970 रुपये की तकरीबन शॉपिंग की और वो लोग पैसे दे के वहाँ पर काउंटर पर मेरे सामने खड़ी थी और वहीं से वो इशारों से बताती रही कि ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, और वो शॉप से निकलने लगी हैं। मैंने वर्कर को इशारा किया, मैंने बोला यार मेरा दिल नहीं है, अभी मूड चेंज हो गया, बिस्किट चाय वगैरह खाऊंगा, तो अब ये बर्गर भी ने वैसे ही दे दो। वो वर्कर पीछे गया तो मैं भी उसके पीछे निकल गया, क्योंकि वो लड़कियां गलत ना समझ लें भाई ये किस चक्कर में आ रहा है बर्गर देने में। तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ जाता हूँ तो मैं उनको हैंडल कर लूँगा। अब शॉप से निकलते साथ ही ना हमारी शॉप के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि काफ़ी बड़े ह्यूज पंप हैं ये, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, लेफ़्ट साइड पे मुड़ो तो फिर पार्किंग सी है गाड़ियों की, मस्जिद के लिए मस्जिद है, उसके टॉयलेट्स हैं और वजू की जगह है। राइट साइड पे शॉप के ऑफिस है, जनरेटर रूम, सीएनजी रूम, फिर आगे टॉयलेट्स वगैरह और काफ़ी मतलब इस तरह का सिलसिला है। अब उन लड़कियों का और हमारा गैप तकरीबन 15-20 फुट का है, उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, हमने आवाज़ नहीं दी, हमें पता था भाई यहाँ पे मस्जिद के पास ये लोग रुके हैं, किसी ने नमाज पढ़नी है या फिर फ्रेश होना है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे रुक गए हैं शायद। तो हमने कहा चलो ये जब अपने वहाँ पे गाड़ी वगैरह के पास पहुँचेंगे तो हम लोग इनको उस वक्त बर्गर पकड़ा देंगे, या इनका कोई मेल होगा साथ उसको पकड़ा देंगे। अब जैसी वो शॉप ख़त्म होती है, वहाँ पर एक पिलर सा बना हुआ है, वो मुड़ती हैं तो हम भी उनके साथ ही थे, हम लोग भी मुड़ते हैं, तो आगे जाके हम लोग एकदम फ्रीज देख के शॉक, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई गाड़ी थी, ना ही वो लड़कियाँ थी और ना ही कोई फैमिली थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम मेरी बॉडी में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी वेंस में जो है ना ब्लड की जगह पे किसी ने ठंडा पानी जला दिया। मैंने अपने वर्कर की तरफ देखा तो चीखना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, चीखे रोए, अजीब सी उसकी कैफियत। वो खैर पेट्रोल पंप का स्टाफ भी भाग आया, उसको हमने उठाया, हम लोग उसको लेके गए ऑफिस में, उसको रिलैक्स वगैरह किया। अब जब उसको हमने रिलैक्स किया तो उसने फिर फौरन ही मुझे कहा कि जी आप मेरा हिसाब कर दें, मैंने यहाँ काम नहीं करना। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा जितने दिन का भी हिसाब है मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें हुआ क्या? उसने बताया कि जैसे हम लोग खड़े हुए हैं ना यहाँ पे मुड़े हैं हम लोग, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे
कोई हवा जो है ना ज़ोर से मेरे साथ टकराई है और मेरे आर पार हो गई है और मेरे कानों में सा 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 शन शन की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। खैर वो मैंने उसको उसका वो हिसाब किताब वगैरह बना के दिया और उसको मैंने भेज दिया। अब जाहरी बात है वो वर्कर्स को भी बताना पड़ा कि भाई हमारे साथ तो ये हुआ। वहाँ पर एक पुराना कैशियर था, उसने बताया कि भाई ऐसा हमारे साथ तो कभी वाकया नहीं हुआ और वैसे भी हम लोग इस साइड पे आते ही नहीं हैं, हमारा काम ही वहाँ मशीनों के पास होता है। और यहाँ पे जब ये पंप बना था उससे 5-6 साल पहले, ये आमने सामने जो दोनों पंप हैं ये दो लैदा फैमिलियों की जगह थी, इनके आपस में कोई दुश्मनियाँ वगैरह हुई हैं, इनके 18-18, 20-20 लोग एक एक फैमिली के मर्डर हुए हैं। तो ये लोग फिर ओने पौने अपनी जगह बेच के और ये लोग यूरोप वगैरह जहाँ पे भी जाना था जो बच गए थे वो निकल गए यहाँ से। तो ये यहाँ पे वाकया हुआ था, इसके अलावा तो कोई नहीं हमने सुना ऐसा कोई वाकया हुआ। तो मैंने आज भी कुछ दिन बाद पता चला कि 2-3 दिन बाद वो लड़का काफ़ी बीमार रहा और मेरी ये कैफियत थी, मैं बीमार तो नहीं था लेकिन जैसे एक तो इंसान कोमे में होता है ना भाई, कोमे में चला गया हिलजुल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हिलजुल तो सकता था, बस कोमे वाली कैफियत ही थी, ना जिंदों में ना मरों में। उसमें इतना ज़्यादा खौफ था कि मोर देन 15 डेज मैं ना तो सो सका, मेरे पास जब तक कोई नहीं बैठता था मैं सोता नहीं, तो रात को तो मैं सोता ही नहीं था ना खौफ की वजह से, तो दिन में ही सोता था मैं। और जितने भी मुझे सूरतें या यादियाँ थी वो हर वक्त मेरी ज़ुबान पर जारी रहती थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लाइव देखा उन लड़कियों को और वो अचानक से गायब हो गई। और आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप भी लॉजिक ढूंढोगे या ये लोग लिसनर्स जो भी सुनने वाले होते हैं अगर ये अपलोड होती है तो वो भी बड़ी बातें करेंगे कि मस्जिद और टॉयलेट्स और वज़ू की जगह इनके बिल्कुल पीछे बाउंड्री वॉल है, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता या जगह नहीं है जहाँ पे कोई जाके खड़ा हो सके। और वज़ू वाली जगह के साथ एक बड़ा कूलर लगा हुआ है पानी का, अब वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जहाँ से कोई जाके खड़ा हो सके या दीवार टप जाए, अगर दीवार टप के पीछे भी जाएगा तो 20 फुट नीचे खाई में जाके गिरेगा, वो हड्डियाँ टूट जाएंगी उसकी, और गाड़ी के निकलने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि वहाँ रास्ता ही कोई नहीं है, कोई रोड ही नहीं है वहाँ पे, उस रिवर्स ही होना जिसने भी होना। तो ये बड़ा एक जो है ना मेरे लिए बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, बड़ा खौफनाक सा एक्सपीरियंस था मेरा। इसके अलावा मैंने 8-10 कंट्रीज जो है वो मैंने ट्रैवल किया है, बाय रोड बहुत फिरा हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं रात के टाइम इसलिए प्रेफर करता हूँ, रश नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, ट्रैवल आसान हो जाता। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा और भी वाकयात हैं जिनमें मुझे कभी इतना खौफ नहीं आया है, लेकिन इतना नहीं आया, लेकिन ये क्योंकि शायद पहला था मेरे साथ ऐसा वाकया जिस वजह से हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। है जनाब, ये एक ऐसे पेट्रोल पंप की बात हो रही जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इन्होंने मुझे बताया तो था ईमेल में कि वो कौन सा पेट्रोल पंप है, लेकिन मना किया इन्होंने नाम लेने से। खैर बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म है। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मेरा नाम है दानिश मकसूद। दानिश कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक दानिश, हमारे पास बहुत कम टाइम है, आप अपना जो वाकया है जो भी है मुझे बता दीजिए। सही, तो मिनाज भाई बेसिकली आई एम आल्सो एन आरजे। अच्छा, कौन से शहर? मीडिया में होता हूँ, आई वर्क एज अ सेलिब्रिटी मैनेजर, आई वर्क एज अ फैशन कोऑर्डिनेटर विद डिफरेंट मैगजीन्स एंड ऑल। तो अभी ही कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात थी कि मैं अपना शो करके ही मैं निकल रहा था, एंड यू नो के सारे जो हमारे स्टेशन हैं जितने भी, मोस्ट ऑफ देम आर एट SRFS, राइट? आप कौन से स्टेशन पे? मैं होता हूँ अपना कराची FM 107। ओह जबरदस्त, जी बताइए। ओके, तो अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये PSL वाला वीक चल रहा था, तो जो है रास्ते वास्ते काफी बंद थे, प्लस वापसी में ये होता है कि मैं या तो एक मेरे वहाँ पे प्रोड्यूसर है मैं उनके साथ वापसी में आता हूँ, या तो अपना मेरा ड्राइवर होता है, उस दिन ये था कि अपना ड्राइवर भी नहीं था,
और जो है जो एक प्रोड्यूसर एक फ्रेंड है जो मुझे घर मेरे ड्रॉप कर देते हैं वो भी नहीं थे इत्तेफाक से. तो ये था कि मैं डिपेंड कर रहा था जो हमारी ये जो टैक्सीज हैं ओबर करीम वाली इनमें. तो एक जो है मैंने राइड बुक की, उसके बाद जो है एंड उस दिन ये था कि इत्तेफाक से मेरा शो खत्म होता है रात 12 बजे, 10 से 12 का शो होता है तो 12 पे खत्म होता है. उस दिन ये था कि कोई गाड़ी वगैरह आ नहीं रही थी मेरे पास तो मुझे थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ रहा था. तो मैं कुछ 12:30-1 बजे जाके जाना मुझे कोई गाड़ी मिली थी. देन मैं फिर नीचे बिल्डिंग के आया एंड मैंने कॉल की तो उसने मुझे कहा कि जो है मैं पहुंच गई हूँ आपकी लोकेशन पे और आप जो है यहाँ पे आ जाए. तो मैंने कहा आप कहाँ पे हैं? तो उसने कहा कि मैं बस यहीं आपकी लोकेशन पे हूँ. मैंने अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स जो है ना ऑन कर दी. अब मेरे जो बिल्कुल बराबर वाली जो बिल्डिंग थी उस पे मुझे अचानक एक गाड़ी की लाइट सारी पीछे की ऑन होने लगी और जो है ना वो पीछे भी गाड़ी होने लगी. तो मैंने कहा हाँ मैंने आपकी गाड़ी देख ली है. तो अब मैं जब वॉक करके बराबर वाली बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जहाँ पे वो गाड़ी की सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, तो वहां जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि अचानक जब मैं उस जगह पे पहुंच गया और उस गाड़ी के पास पहुंच गया हूँ तो गाड़ी की सारी लाइट जो थी वो बंद थी और अंदर भी कोई नहीं था. दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि अभी थोड़ी टाइम पहले ही मैंने देखा था. एंड यू नो कि एक बिल्डिंग से अगर बराबर वाली बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ आप होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है एग्जैक्टली कि मतलब एक गाड़ी की सारी लाइट्स जो है यू नो जल रही हैं और यू नो वो. एंड मैंने खुद देखा था गाड़ी वो थोड़ी पीछे मूव भी हुई थी कि मेरे. आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं बोलिए बोलिए. ओके तो तो उसके बाद जो है ये फिर मैंने देखा कि गाड़ी बिल्कुल भी मैं जब वहां पहुंचा हूं तो वो बिल्कुल स्टिल है. एंड उसके साथ जो 2-3 गाड़ियां हैं उसमें भी कोई नहीं है, उस गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं है. वो लग ही नहीं रहा कि इस गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ भी था अभी थोड़े टाइम पहले तक या एक गाड़ी कोई चल रही थी या मूव भी हो रही थी. देन मैंने फिर दोबारा जो है उस राइडर को कॉल किया. मैंने कहा आपने कहा कि जो है ये आप तो पहुंच गए हैं और मैंने भी एक गाड़ी देखी थी वो उसकी लाइट्स वगैरह ब्लिंक करने लगी थी. तो उसने कहा कि नहीं वो तो जो है ना मैं सामने वाली रोड का कह रहा था. तो मुझे बहुत वियर्ड लगा. मैंने वापस जब मेरी एक्चुअल वाली बिल्डिंग थी मैं वहां पे गया. मैंने जो चौकीदार थी मैंने उस चौकीदार से मैंने बात किया. मैंने कहा कि आपने देखा था ना कि ये जो गाड़ी है जिसके पास मैं गया हूँ वो गाड़ी मूव भी हुई थी पहले थोड़ी और उसकी सारी लाइट्स जली थी. उसने कहा हाँ देखा तो मैंने भी था एंड आप जब वहां पे गए हैं तो वो लाइट भी बंद हो गई. तो एक ही बड़ा अजीब सा कुछ इंसिडेंट था जो कि हुआ. देन फिर लेटर ऑन एंड एक चीज और भी बड़ी वियर्ड थी कि जिस टाइम पे फोन पे मैं बात कर रहा था उस ड्राइवर ने कहा कि मैंने जो है सारी लाइट्स ऑन की हैं तो सामने अचानक गाड़ी की लाइट्स ऑन हो गई जो कि वहां खड़ी हुई थी. तो ये बड़ा एक कुछ शॉकिंग सा एक इंसिडेंट था. दैट वाज लाइक वेरी वियर्ड. लेटर ऑन जब वो गाड़ी आई एक्चुअल में जो कि मुझे लगा कि शायद वो वाली होगी तो उस ड्राइवर से ही मैंने पूछा. उसने कहा नहीं वो तो जो है मैं दूसरी इस तरफ आया था एंड आई थॉट के यू नो आप ब्रिज से ऊपर होके यहाँ पे आ जाएंगे. और ये आपकी वो आईटी टावर्स के सामने हुआ है? कौन सा आईटी टावर्स के सामने हुआ है ये? हाँ जो मेरा जो बिल्डिंग का ऑफिस अगर आपने उसका देखा हुआ है 107 का तो उसके बराबर वाली जो बिल्डिंग है ये वहाँ उस साइड पे हुआ है. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं 107 की. मैं आज से 12-13 साल पहले आया था 107 और मैंने लेट नाइट हॉर शो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 107 को दिया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था. लेकिन मुझे बताइए कि आपकी जो बिल्डिंग है वो सही है? आईटी टावर्स जो आईटी टावर्स है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी पार्क. टेक्नोलॉजी पार्क सॉरी सॉरी. तो वो सही है क्योंकि उसका मुझे पता चला काफी सुने हैं काफी वाकयात सुने हैं. एक दफा पार्किंग से मैंने किसी ने सुना था किसी प्रोड्यूसर ने ही कहा था कि वहां पे चीखने की आवाजें आनी थी किसी औरत की और अक्सर आती हैं. तो सुनी है इस तरह की चीजें क्योंकि आपके बराबर वाली बिल्डिंग है जो रिवॉल्विंग टावर्स वाली है. ओके वो वो तो सी ब्रीज. सी ब्रीज जो है सी ब्रीज है या सीजर टावर्स है? हाँ सीसर्स भी है और एक जो है सी ब्रीज भी है. बीच में वाली टेक्नोलॉजी पार्क आती है बिल्डिंग. हाँ मैं तो सीजर टावर्स जिसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था ऊपर. ओके वो भी बंद हो गया. उसका भी कहा जाता है कि एक रीजन ये है. हाँ सीसर्स टावर का भी सुना हुआ है. काफी चीजें इस तरह की सुनी हुई है ऑन एंड ऑफ मैंने. चले चले ये बताइए कि आप सेलिब्रिटीज को वो करते हैं तो कभी सेलिब्रिटीज ने नहीं बताया आपको किसी के मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ? हाँ सेलिब्रिटीज ने बताया. इवन एक दो सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह के
वाकयात हुए हुए हैं ब्लैक मैजिक के और जन्नात के और इस तरह के. एंड मेरे अपने साथ ब्लैक मैजिक के मेरे फैमिली, मैंने खुद पर्सनली, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी जो मीडिया में एंट्री हुई थी विद अनदर रेडियो स्टेशन, तो वो एंट्री जैसे ही हुई थी वहां से, तो एक कोआर्जे हमारी होती थी तो उन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया था वहां से. एंड वो अब तक जो है वो ऑन एंड ऑफ करती रहती हैं जब भी उनको रेडियो पे आवाज सुनाई देती है मेरी. तो क्या वो आपको मतलब वो पसंद करती हैं, ऐसा चक्कर है क्या? नहीं, उनकी तो खैर एज काफी ज्यादा थी, बट मैंने कुछ सुना इसी तरह का था कि कुछ था ये वाला रीजन. ओ, तो ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे फेलो आरजे कौन है ऐसी जो ये हरकतें कर. खैर, आई थिंक आप जानते होंगे उनको, मैं उनको आप जानते हैं आई गेस. अच्छा चले चले, आप मुझे ईमेल में बता दीजिएगा. सही है, ओके, थैंक यू. नॉराइट जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ गया है. आज मुझे पता है कि रिवायती तौर पे मैंने कम वाक़यात सुनाए, कॉलर्स ने अपने ज़्यादा, और टेप्स जो हमारे पास थी वो थी, वो मैंने जान पूछ के इसलिए चलाया क्योंकि पिछले 3-4 हफ्तों से हम कॉलर्स को इंगेज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ हमारी लाइन्स ख़राब थी. आज मौका था तो मैंने सोचा कि कॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि उनकी जो शिकायत है वो भी दूर हो जाए. खैर, एक YouTube के लिए अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि आप हमारे YouTube चैनल पे क्यों सब्सक्राइब करें, क्या वजह है कि उसको जाके सब्सक्राइब किया जाए. तो सबसे मेन वजह यह है कि आपको लेट नाइट हॉरर शो की पूरी एपिसोड वहाँ सुनने को मिल जाएगी और पुरानी एपिसोड season 1 की भी मिल जाएगी, season 2 की भी मिल जाएगी और season 3 जो चल रहा है उसकी भी मिल जाएगी. सेकेंडली, मंडे, ट्यूज़डे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन हम रोज़ाना वहाँ पे सिंगल शॉर्ट स्टोरीज़ अपलोड करते हैं, जो असल वाक़यात हैं लोगों के साथ जो हैं, जो लोग मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं वो अपलोड होती है. तो वो सिर्फ यूट्यूब पे ही मिलेगी आपको, वही रेडियो पे नहीं मिलेगी. सेकेंडली, फ्राइडे वाले दिन हम लेट नाइट हॉरर शो पूरा अपलोड करते हैं और उसके अंदर कुछ एडिट चीज़ें होती हैं जो उसको एक्सक्लूसिव बना देती हैं. थर्ड, संडे वाले दिन हम रात 12 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं 2-2.5 घंटे की, जिसमें दुनिया के लोगों से हमें कनेक्ट करते हैं, लोग अमेरिका से भी कॉल करते हैं, इंडिया से भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. और अब हम अपने फेज़ 2 की तरफ भी जा रहे हैं, जो यूट्यूब पे मैंने एक और फेज़ सोचा है जो कि इंशाल्लाह करीब जब टाइम आएगा तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा. तो हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari. जाते जाते मुझे ईमेल्स तो आ ही रही होती हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, तो मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है कि लोग बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कि किसी ने अपना वाक्या शेयर किया है तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कोई तोहमत लगा देते हैं कि झूठ बोल रहा है, कोई कहता है कि फेक है, कोई कहता है ड्रामेबाजी है, कुछ गाली गलौज में भी आ जाते हैं कि ये सब बकवास है. याद रखिए एक चीज़, ये जो मखलूक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको सिर्फ हमारे मज़हब में ही नहीं बल्कि और जो किताबें आई हैं उनमें भी जिक्र है. जो पिछली सिविलाइजेशंस गुजरी हैं उनकी जो लिटरेचर है उसमें इस मखलूक का जिक्र है. कहा जाता है कि ये हमसे ज्यादा आबादी में ज्यादा हैं और इसी मखलूक में कुछ मखलूक ऐसी हैं जिनके पास वो ताकत है जो मैं और आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे. जैसे अभी बहुत सारे लोग अकेले बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, हंस तो बहुत रहे हैं, मजाक भी बहुत उड़ा रहे होंगे, लेकिन जब ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा, ये रोशनी अंधेरे में कन्वर्ट हो जाएगी, जब महफिल से निकल के आप अकेले हो जाएंगे तो आपको नहीं मालूम
कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां आपके अलावा भी कोई मौजूद हो, वो मखलूक जिसको आप तो देख नहीं सकते पर वो आपको शायद देख सकती है, और क्या पता अपने होने का एहसास भी दिलाए। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।